الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس یقین سے درود پاک پڑھیں ہم پڑھتے ہیں कायनात के वारिस गुंबद हजरा में समात फरमाते हैं कोई ज़ुबान खामोश ना रहे गोडे थल्ले करके जी घुटने नीचे करके अदब के साथ दुरूद शरीफ का नजराना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें और चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराहट यकीन की अलामत होती है। यकीन के साथ जरा ऊंची आवाज़ से पढ़ लीजिए सलातो व सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह अलैका व सहाबीका या हबीबल्लाह सलातु सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला अलिका व सहाबीका या सैयदी या हबीबल्लाह। एक एक कदम अगर ये मेरे आगे बैठे हुए बच्चे ज़रा थोड़ा पीछे हो जाएं, बुज़ुर्ग ज़रा आगे थोड़ा सा रूहानियत ले लें, आपसे कोई बरकत ले लें, बुज़ुर्ग ज़रा एक एक कदम अगर मेरी गुजारिश समझें तो ये बच्चे ज़रा थोड़े पीछे कर दें, बुज़ुर्ग ज़रा या पीछे से दोस्त आगे तशरीफ़ ले आएँ, ज़रा बड़ी मेहरबानी। एक एक दो दो तीन तीन कदम आप आगे आ जाएँ, वड्डे जरा अगे आ जाओ, तुसी ये जो बुजुर्ग भाई बैठे हो पीछे, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहरबानी, थोड़ा जाके तुसी तो बुजुर्गों मेरे नेड़े आओगे सारे आ जाने, थोड़ी बरकत ना सारे नज़दीक आ जाने। सुभान अल्लाह। हुन बड़ो उच्ची आवाज़ दे नाल दुरूद पाक सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल। वालेलिका व सहाबीका या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम का शुक्र है कि जिसने हम सबको अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा कर अपने प्यारे हबीब तालीम मतलूब आका इनामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबो अजम फ़ख्र बनी आदम हादी सबुल्ल अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सारे कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को उम्मती पैदा फरमाया। आज अजीम शान सालाना उर्स मुबारक की तकरीब दो मौजूआत से जुड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अखबाब आज किस महफिल को रौनक बख्शने के लिए तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। दसवां सालाना अजीम शान उर्स मुबारक ख्वाजगान व पीर तरीकत राबर शरीयत पी सैयद मोहम्मद मसूद साहब हाशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके मौका पर हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस व जलसा दस्तार फजीलत है। सब अखबाब को खुश आमदीद कहते हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ज़ेर सरपरस्ती आज की ये खूबसूरत महफिल चिश्ती दामन बरकात वल कुदसिया अल्लाह तबारक व ताला से दुआ फरमाएँ आज की ये उर्स मुबारक ख्वाजगान और हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस जलसा दस्तार फजीलत अपनी बारगाह में और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमाए। जैसे जैसे मेहमान आते रहेंगे इंशाल्लाह मैं उनके सामने आप सब अखबार उनका तारुफ आप अखबार के सामने रखूँगा। जैसी शख्सियात आएँगी बात आगे थोड़ी बढ़ जाएगी। फ़िलहाल अहले मोहल्ला और मस्जिद की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं कि जिनकी मौजूदगी में रौनक बनती है और फिर एक अच्छी शख्सियत को बुला के आप अखबाब दीन समझने की कोशिश करते हैं और जब कोई बड़ी शख्सियत आ जाती है तो फिर बड़े बड़े अखबाब भी तशरीफ़ लाते हैं महफिल की रौनक को दुबाला करने के लिए। रोशन चेहरे लेके आप अखबाब तशरीफ़ फरमा है, दरूशी बड़ा खूबसूरत आप अखबाब ने पढ़ा है। एक दफ़ा फिर हसूल बरकत के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़े मैं नात खान को पेश करना चाहता हूँ। अब ज़रा अपनी मर्ज़ी के साथ पढ़िए ऊँची आवाज़ से अस्सलातु सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वाला अलैका व सहाबीका या सैयदी या हबीबल्लाह सलातु सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह। जो उस दर पे सदा देता नहीं है उसे कुछ भी खुदा देता नहीं है। बगैर किसी तमीद के मैंने पहला शेर कहा है और आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त है, आपने वसूल कर लिया है
और सुभान अल्लाह का मैं मुतमन्नी रहूँगा उस शख्स के जो समझ के सुन के समझ के सुभान अल्लाह कहेगा। ये आका की सना होती है दोस्तों। आप चीमा चट्ठा चौधरी सबको मेरा सलामी अकीदत होता है, मगर बात हुजूर के ग़ुलाम से होती है, और जो आ जाता है वो ग़ुलाम ही होता है, जो आके इस महफिल में बैठ जाता है। मालिक फरिश्ते कहते हैं, सोना ये तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। कहा सारे बख्शे गए। कहा सारे बख्शे गए? एक शख्स तो आया ना महफिल के मूड में आया, ना उसे पता था कि आज महफिल है। वो वैसे ही महफिल में किसी बंदे से कोई काम की नीयत से आया और चला गया। कहा वो भी बख्शा गया है। अब आपने सुभान अल्लाह अपनी मर्जी से कहनी है। अल्लाह कहता है आया तो मेरे महबूब की महफिल में था ना, बख्शा जाता है भाइयों। तो शेर का शेर की दाद लेना मेरा हक है, बाकी मेरा अल्लाह मालिक है। जो उस दर पे सदा देता नहीं है उसे कुछ भी खुदा देता नहीं है। बच्चे प्यारे हो आप, इनकी बड़ों की सुभान अल्लाह लेने दो जरा। जो उस दर पे सदा देता नहीं है उसे कुछ भी खुदा देता नहीं है। नहीं जिसकी जगह कदमों में तेरे या रसूल अल्लाह, नहीं जिसकी जगह कदमों में तेरे उसे कोई जगह देता नहीं है। नहीं जिसकी जगह कदमों में तेरे उसे कोई जगह देता नहीं है। खुदा से वास्ता उसका नहीं है। सारे बंदे वसीले वाले बैठे हो, अब शेर सुन के जो बोलेगा मैं सलामे अकीदत ही पेश कर सकता हूं। खुदा से वास्ता उसका नहीं है, खुदा से वास्ता उसका नहीं है मेरे आका जो तेरा वास्ता देता नहीं है। और मरीज इश्क हूं, जाऊं कहां पर, मुझे कोई दवा देता नहीं है। और कभी यार की नासर गली में गदा तेरा सदा देता नहीं है। महफिल नात में और उर्स की महफिल में फर्क होता है भाइयों। हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस का ये लफ्ज जुड़ा है, शायद आपने पहली दफा देखा हो या पहले भी आपने इसको पढ़ा हो। तो एक बड़ी शख्सियत के साथ आज की महफिल को मंसूब किया गया है। जैसे ही साहिबान तशरीफ लाएंगे, अगर थोड़ा सा वक्त नसीब हुआ तो उसमें आपसे बात होगी कि आज का मौजू क्या है। फिलहाल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, नवाज़ साहब तशरीफ़ फरमा है, वो तशरीफ़ लाते हैं और बारगाह रिसालत में गुलाए अकीदत पेश करने की सहायता हासिल फरमाते हैं। अब आपसे गुजारिश है, नारा हक बनता है आपका लगाना और मेरा लगवाना, चूँकि आज महफिल नात है, उर्से मुबारक से आज की महफिल जुड़ी हुई है। दाएँ हाथ बुलंद करके ऊँची आवाज़ से बोलिए नारा तकबीर, नारे तकबीर। बेटा इतनी खूबसूरती से हुजूर का नाम लो, ये आपके साथ हाथ खड़ा करके ये भी बोलें नारे रिसालत, हाथ खड़ा करके नारे रिसालत, जिसे शर्म आती हाथ नीचे रखे नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, बोलो लाजपाल लाजपाल। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह। किड्डा तेरा रुतबा कमाल सैयदा, रब ने बनाया तेनू यार सैयदा। किड्डा तेरा रुतबा कमाल सैयदा, रब ने बनाया तेनू यार सैयदा। किन्ना रब तेरे उत्ते करम कमाया, अरज
सात अठारह साल सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा तेरे बिन कले रब बिना रहंदा पढ़दा दरूद सदा तेरे उते रहंदा तेरे बिन कले रब बिना रहंदा पढ़दा दरूद सदा तेरे उते रहंदा रुतबा तेरा बेमसाल सैयदा रुतबा तेरा बेमसाल सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा तू रब अखा नाल सैयदा वेख्या तू रब अखा नाल सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा जगह जगह सारा जग खांदा है हुण सदकत सैयदा सारा जग खांदा है तेरा सदका सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा इना रब तेरे उते करम कमा लाएला दे नाल सैयदा नाम तेरा लाएला दे नाल सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा जन्नता तो पद के मीनार सैयदा कबे नालो पद के मीनार सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा तेरे जे दार सैयदा मैनू भी हुण दे दार सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा किड्डा तेरा रुतबा कमाल सैयदा रब ने बनाया तेनू यार सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह अर्ज की तिजी बरी
रब दा पयामा गया है सवारे फरमान सारे मलाइक नु होया जुको सारे खैरुल अनाम गया। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जावेद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बार गैर सलात बाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की साथ असल फरमाएं। एक नात का हुक्म है, एक नात पे आपने इल्तफा फरमाना है। नारे तकबीर थोड़ा बोलो, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं ना गल वसीले दी शुरू की थी है, हैदरत तो जिसने मैं बुलाना है फिर वसीले थे थोड़ा बहुत मेरा दिल करता पे आज बोलन थे इस गले के जब अदारे के बच्चे बैठे हो ना जी तो इनसे दुआ लेनी चाहिए। ये रब के महबूब के दीन के लिए अपने घर को छोड़ के को अल्लाह का दीन सीख रहे हैं, इनका बड़ा मुकाम है, बड़ा नाम है। तो ये इंशाल्लाह वसीले पे भी बात होगी आपसे। फ़िलहाल जावेद साहब को समात फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताज दारे खत्मे नबुव्वत, लजपाल लजपाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اج सिख मित्रां दी वदेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लो लो विच शो चंगे अज नैना ने लाया
जड़िया अज नैना मुख चल बदल सा सानिये मत्थे चमक दी लाट नुरा काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी महमूर अखें मद बरिया काली जुल्फ ते अख मस्तानी दसे सूरत रा कोई बिरलिया मोती लतरिया कोई बिरलिया मोती लतरिया इस सूरत नो मैं जाना का जाना का के जाने जहाना खा सच आखां ते रब दिशा सच आखां ते रब दिशां आखां जिस शान तू शाना सब बनिया सच आखां ते रब दी शान आखां सुभान अल्लाह मां अज किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना
गुस्ताख अखें किथे जाड़िया किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखें किथे जाड़िया अज सिख मित्रां दी वदेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी शोरा आफाक नात आप अख्वाब ने समात फरमाई। बड़ा रूहानी कैफ नसीब हुआ, माहौल भी रूहानियत से भर गया। हजूरी वाले कलाम जो होते हैं दोस्तों, इधर हाजिरी शुरू होती है उधर हजूरी की कैफियत आनी शुरू हो जाती है। तो ये पता बता रही है इस चीज़ का कि आज के जो उर्से मुबारक की महफिल है वो शुरू होते ही कबूलियत के दर्जे की तरफ बढ़ रही है। बड़ी बड़ी हस्तियों का साया है आज की इस महफिल पे। खुद ज़ेर सरपरस्ती मोहतरम अलमुकाम पीर तरीक़त रखबर शरीयत मेरे हजूर गरीब नवाज पीर सयाल के मंजूर नज़र, आस्ताना आलिया चिश्तिया नक्शबंदिया कादरिया मदीना टाउन के सजादा नशीं हज़रत साहिबजादा पीर सैयद शकील अहमद शाह साहब अल हाशमी नक्शबंदी चिश्ती दामन बरकात वल कुदसिया जलवा घर हैं। सालाना उर्स मुबारक है, मेरी नचीज़ की दूसरी हाज़री है। माहौल बड़ा खूबसूरत होता है जब भी यहाँ पे आया। आप सुनने वाले अबाब हैं अजीम शान दसवां सालाना उर्स मुबारक ख्वाजगान और पीर तरीक़त रखबर शरीयत पीर सैयद मसूद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक भी है। हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस भी है, जलसा दस्तार फजीलत है। मैंने बात की थी कि बच्चे तशरीफ़ फरमाएँ, चूँकि मैंने कलाम पढ़ना था, आपका हुक्म भी है। अल्लामा मज़हर कादरी साहब की नाज शरीफ है, मैंने वसीला शुरू किया है। एक दो मिनट अगर शाह जी मुझे इजाज़त दें तो मैं बस एक गर्दान है जो मुझे याद सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि वसीले की बात शुरू हुई थी जब मैं माइक पर खड़ा हुआ, चूँकि ये वसीले वालों की महफिल है। सुभान अल्लाह कहना सी इस गल उत्ते, तुसी मनो ही तक्की जा रहे हो। सुभान अल्लाह भी आख होना जी उच्ची आवाज़ नाल। शाह साहब ने तुहानू दावत दित्ती है बड़ी सोहनी, तो मैं चाहना वा कि एक खूबसूरत जी चीज़ तुहानू सुनावा। एक तबका है ऐसा जो कहता है वहाँ सुन लेते हैं यहाँ नहीं सुनते। माज़ अल्लाह भट्ट साहब तुसा तो नाद पढ़ी देने लगे मदीने दियाँ गलियाँ च टुर गए हैं। हाँ जी, फिर पीर मेहर अली शाह जी का कलाम, फिर महफल भी चिश्तियाँ दी, फिर नज़र भी निगाह भी चिश्तियाँ दी। रूहानी तौर पर जिसमानी तौर पर कलबी तौर पर रूहानी तौर पर चिश्तियाँ दी महफल च चिश्तियाँ का कलाम वो पढ़िया गया जिन्हों खुद पता नहीं तुम सुभान अल्लाह कहें कि नहीं कहें। मैं ना जरा सुभान अल्लाह सुनने का आती हूँ भाई, अगर बातें करनी थी तो बाहर आप ठीक थे, आपने अगर बातें करनी थी तो फिर भाई ठीक थे, इधर क्या आने का फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सुभान अल्लाह कहेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि आप महफिल में आए हैं। ये वो नात है जिसको खुद सरकारे दो जहां ने समात फरमाया है, जो नात सुनाई गई है अभी, ये नात है, ये सही मानों में नात है। और क्या खूबसूरत अंदाज में सुनाई, यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई दुखी आ रहा हजूर के गुम्बद के साए से हटकर बैठकर अपनी सिसकियों से हजूर को दुखड़े सुना रहा है। और ये कह रहा है आज सिख मित्रां दी वधेरी है, ये कह रहा है हजूर एक दफा तो जियारत करा दे, एक दफा तो शफकत फरमा दे, एक दफा तो निगाह करें, एक दफा तो हमारी तरफ देखें, हमारी जिंदगी ये बन जाए, हमारी रूह समर जाए, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, पर्दे हट जाएं और मदीने वाले की जियारत नसीब हो जाए। ये बात की है दस राह की बेसूरत दा, क्या खूबसूरत बातें की हैं। मेरा मैंने जाना नहीं है इस तरफ, खैर कुछ कहते हैं वहां सुन लेते हैं यहां नहीं सुनते, कुछ कहते हैं
यहाँ भी नहीं सुनते भाईओ, जाग रहे हो जी, जरा गोडे ते छड्डो जी, जरा घुटने ते छड्ड दो, एन चौकड़ी मार लो, जरा मेहरबानी, अदब नाल हो जाओगे, मेहरबानी जरा, बहुत शुक्रिया। कुछ ब्रदर कहते हैं बड़ी तवज्जो आपकी चाहिए, मैंने सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी हाजिरी को मुकम्मल करना है और एक मग्ज़ आपको दे दूंगा, लुत्फ आएगा आपको आने वाले साल तक, ये मेरी चीज़ आपको भूलेगी नहीं। कहते हैं वहाँ भी नहीं सुनते, माज़ल्ला यहाँ भी नहीं सुनते, मैं सलाम ना पेश करूँ अहले सुन्नत वल जमात को, जो मेरे मरकज़ निगाह हैं, रूहानी और बेहतरीन चेहरे लेके यकीन के साथ बैठे हैं। कुछ कहते हैं वहाँ सुन लेते हैं, यहाँ नहीं सुनते, कुछ कहते हैं वहाँ भी नहीं सुनते, यहाँ भी नहीं सुनते। सलामे अकीदत है अहले सुन्नत को, जो कहते हैं जहाँ से भी पुकारो हुजूर सुन लिया करते हैं, जहाँ से भी पुकारो। शाह जी हमें गल ले जनाब, आज महफल भी वसीले दे नाल जुड़ी हुई है, लफ्ज़े वसीला है आज की इस महफल का मजमून, तवज्जो फरमाइएगा भाई। वहाँ भी सुन लेते हैं, यहाँ भी सुन लेते हैं, जहाँ से भी पुकारो हजूर सुन लिया करते हैं। थोड़ी बढ़ा दे हजूर, तो इसकी ना हाई खोल दे, मास्टर वॉल्यूम थोड़ा खोल दे। जहां से भी पुकारो हजूर सुन लेते हैं, वो मौजूद हैं तो सुनते हैं ना। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, मौजूद है भाईजान तो सुन लेते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं? पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद नजर आ रही है, अदारे के बच्चे बैठे हैं, सलामे अकीदत शाह जी को पेश करते हुए, कहाँ कहाँ मौजूद हैं? जमी में जमा मकीन मकाम में चुनी में चना में हमी में हमा में गटा में फिजा में उलाला मकाम में चुबंद गली में खफी में जली में उम्र में अली में हरम की गली में। थोड़ी सुभान अल्लाह कहनी है जी, तुसा बच्चे जरा खामोश रहे, इनकी सुभान अल्लाह मैं लेता हूँ। ये जो तबका बैठे ना, मेरे भाई बैठे हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा फिर जरा समात फरमाए, और जहाँ मैं रुकूँ आपकी सुभान अल्लाह मुझ तक आए, बड़ी मेहरबानी, थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, इसको कबूल फरमाए। कहाँ कहाँ मौजूद है? जमी में जमा मकी मका में चुनी में चना में हमी मेहमा में गटा में फिजा में उलाला मका में चुबंद गली में खफी में जली में उम्र में, कहाँ कहाँ मौजूद है? फिर समात फरमाओ, कहाँ कहाँ मौजूद है? जमी में जमा मकी मका में चुनी में चना में हमी में हमा में गटा में फिजा में उलाला मका में चुमंदे गली में खफी में जली में उम्र में अली में हरम की गली में जहाँ में करम में सदफ में शजर में अया में अदा में मीना में सुबह में सायम हर एक निशा है इस निशा में, इस निशा में, थोड़ा मुस्कुराना मेरे भाई, इस निशा में, उस निशा में, इस निशा में निशाने मोहम्मद की जलवागरी है। कहाँ कहाँ मौजूद हैं? जमीन में जमा मकी मका में चुनी में चना में हमी में हमा में गटा में फिजा में उलाला मका में चुबंद गली में खफी में जली में उम्र में अली में हरम की गली में जहाँ में करम में सदफ में शजर में अया में अदा में मीना में सुफा में सायम हर एक निशा में निशाने मोहम्मद की जलवा करी है। मोहम्मद रौन के बजमे जहाँ भी हैं, मैं एक बिछड़े में इस बार शाऊर मजमे को बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ है। आपने बोलने का हक अदा करना है। मोहम्मद रौन के बजमे जहाँ भी हैं, जहाँ भी है। थोड़ा लुत्फ जी बुजुर्गों, अगर दुआ आ जाए तो मेहरबानी है जी। कहाँ कहाँ मौजूद हैं? जमीन में जमा मकी मका में चुनी में चना में हमी में हमा में गिड़ा में। अच्छा जी, मोहम्मद रौन के बजमे जहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं वो जीनत छम मकानों की मकीने लामका भी हैं। मेरा दिल है मदीने, मेरा दिल है मदीने में, मेरा दिल है मदीने में, मैं ये समझा मेरे आका यहाँ भी हैं वहाँ भी है। वो तो हर जहाँ मौजूद है भाई, फिर एतराज किस बात का? मोहम्मद रौन के बज़्मे जहाँ भी हैं, जहाँ भी हैं वो ज़ीदत सब मकानों की मकीने लामका भी हैं। मेरे दिल में मदीना है, मेरा दिल है मदीने में, मैं ये समझा मेरे आका उन हाथ खड़ा करके जिदा अकीदा इजाजत देंदा है। मेहनत हल ले वे कि तुसी अपनी सारी गल्लां नू छड़ के एक बारी सज्जा हाथ खड़ा करके मुहब्बत दे नाल सज्जा हाथ खड़ा करके वहाँ का लफ्ज़ कहना है। मैं ये समझा मेरे आका यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, तो हर जहाँ मौजूद है भाई जान। इस बात की, किस बात को ढूंढ रहे हो? कोई बंदा गज लेके आसमान नापने निकले, दो कौड़ी का बंदा हो और कायनात के वालियों की शान को नापने के लिए निकले, अस्तगफिरुल्लाह वाली बात है कि नहीं? तो ये तो सारा मजमे माशाल्लाह मानने वाला बैठा है। अच्छा जी, बात को ख़त्म करते हैं मेरे भाइयों, वक्त ज़्यादा ना हो जाए इसलिए कि हज़रत को 9 बजे दावत खिताब भी देनी है। बस इतनी सी बात ज़रूर करूँगा कि कीदे पुख्ता करो यार, थोड़े से हमें ईमान के डाकू लूटने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले आ चुके हैं, वो हमें तरह तरह की बातें बता के हमारा ईमान खींचने की कोशिश करते हैं। ईमान ये है, हुजूर बयान करे तो कुरान है, हुजूर ही बयान करे तो हदीस बन जाती है। हमें गल जनाब, जुबान तेकी है ना जी,
मेरा बड़ा दिल पर करता, बड़ा कुछ सुनाते। चले आखिरी बात करके ख़त्म करते हैं कि शौक से रहमत गफ्फार में गुम हो जाऊँ। मैं पंजाबी बड़ी चंगी सुना लेना, दिल किया उर्दू सुनाते। शेर का मुल तुसा पाना है, शौक से रहमत गफ्फार में गुम हो जाऊँ, शौक से रहमत गफ्फार में गुम हो जाऊँ। हाथ नीचे रह गया दुख होगा, जुबान बंद रही तो फिर भी दुख होगा। हाँ, ये जो शेर मैं कहने लगा हूँ, ये मेरा समझिए कि पसंदीदा बिल्कुल नया कलाम है। शौक से रहमत गफ्फार में गुम हो जाऊँ, सब्ज गुंबद तेरे मयार में गुम हो जाऊँ। हाय 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 हाय, सब्ज गुंबद तेरे मयार में गुम हो जाऊं, फिर मुझे जन्नत भी बुलाए तो नहीं जाऊंगा। केड़ा चांदा कि मन हजूर का दीदार हो जाए, केड़ा केड़ा चांदा जी, केड़ा केड़ा बंदा जेड़ा हाथ अज तक नहीं खोल सकया। सारे चांदे हजूर का दीदार हो जाए। शेर सुनियो तो फिर हक अदा करियो, फिर मुझे जन्नत भी बुलाए तो नहीं जाऊंगा। यार सुल्ला हशर में जब तेरे दीदार में गुम हो जाऊं, जब तेरे दीदार में गुम हो जाऊं। आले नबी औलादे अली हैं, अल्लाह की कसम कोई बस शाह साहब का हुक्म ही होता है और दिलो जान तो एक हुक्म कबूल हो जाता है। इस गल इंज लगता है हजूर पीर सियाल की तरफों बुलावा आ गया, फिर इस महफल में हाजिरी हो जाती है। नहीं कि नजर आखिरी शेर है, शौक से रहमत गफ्फार में गुम हो जाऊँ, सब्ज गुंबद तेरे मयार में गुम हो जाऊँ, सदका जहरा का मैं देखूँ तेरे हसनैन कभी, सदका जहरा का मैं देखूं तेरे हसनैन कभी। बिस्मिल्लाह जी, सदका जहरा का मैं देखूं तेरे हसनैन कभी। अली वाले सारे बंदे बैठे हो, सुभान लानी चाहिए यार, महीना भी मेरे अली का जा रहा है। सदका जहरा का मैं देखूं तेरे हसनैन कभी, फिर रुखे हैदर करार में गुम हो जाऊं, फिर रुखे हैदर करार में गुम हो जाऊं। आइए एक बड़ी प्यारी आवाज़ आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे बड़े भाई भी हैं, बरदर अकबर भी हैं, फ़रे आले सुन्नत भी हैं, आलामा भी हैं, नाथ खान भी हैं और उस्ताद भी हैं, सब कुछ हैं। गुजारिश करते हैं बड़े तो के साथ शाह साहब की अजीम शान और बेहतरीन खूबसूरत हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस जलसा दस्तार फजीलत और आपके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला के उर्से मुबारक की अजीम शान महफिल में मैं गुजारिश करूंगा। हजरत अलामा मज़हर हुसैन कादरी साहब दामन बरकात वल कुर्सी के जलवागर होते हैं और सरकार तो जहाँ सलम की बारगाह में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हारिया पेश करते हैं। अब आपसे गुजारिश है, नारा तकबीर बोलो यार, जरा नारा तकबीर, तुहानू सारयां नू लुत्फ आ रहा है ते लुत्फ लैन वाले बंदे जरा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, लजपाल लजपाल, बच्चों ऊंची आवाज से लजपाल लजपाल, लजपाल लजपाल, पीर से आप। मैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद खादिम हुसैन साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मदहा सरा हैं हमारे हज़रत अल्लामा मज़हर हुसैन कादरी साहब, अब आप तशरीफ़ रखें, जल्दी जल्दी बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तशरीफ़ रखो, बिस्मिल्लाह। क़िबला हाशमी साहब हर साल बड़ी मोहब्बत नाल याद फरमाते हैं, मेरे नचीज़ का गुजरात शहर च बूटा कारी मोहम्मद फयाज चिश्ती साहब ने लाया सी। हाँ हाँ हाँ, मैंने हर वे याद रहते हैं, जिस वे मिलना सलाम करना मैंने बड़े याद आते हैं। बेनाम निशान आया सर, कंध तू मैं बिस्तरा सटिया सी बिलाल मस्जिद, छोटा जहा बिस्तरा, मेरे को दो जोड़े कपड़िया के नहीं सर। कारी साहब दी दुआ बरकत नाल मल बन गए, रहमत हो गई, करम हो गया। आइए खूबसूरत छोटा जहा कलाम। चिश्ती साहब ने दुख समा बनया, मैं फकीर कोई सुर साज तो नहीं, मगर सरकार की बारगाह चरत करा दे, आप लजपाल मेहरबानी फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, इश्क़े मुस्तफा
इश्क़े मुस्तफ़ा जिसके सीने में है कहीं भी रहे वो मदीने में है मदीने में है हुजूर जलवागर है अपनी महफिल में समझ लो ये महफिल मदीने में है समझ लो ये महफिल मदीने में है। अब तो मदीना पाक का तसव्वुर बांध के पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीब अल्लाह। जदू कदे भी मैं आफज खादम हुसैन साहब ने एक कलाम सुनाया ना बड़ी शफकत फरमाई खूबसूरत कलाम सुनो हाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा आप आए तो मेरे घर में ऊंचा शम्मा जला लो दिल में इश्क़े सरकार की एक शम्मा नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक लजपाल लजपाल पीर सियाल लजपाल 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 पीर से सुभान अल्लाह। मैं खुशामदीद कहता हूँ बड़े अदब के साथ मुफ्ती पाकिस्तान खतीब आज़म सयाल शरीफ उस्ताज़ुल उलमा तर्जमान अहले सुन्नत मसलक हक़ अहले सुन्नत की पहचान मसलक हक़ अहले सुन्नत का हसी चेहरा हजूर गरीब नवाज़ पीर सयाल के मंजूर नज़र बैन अल-अक़वामी शोहरत अपने यहाँ रखने वाली शख्सियत मुफ्ती पाकिस्तान तर्जमान हकीकत तर्जमान अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शौकत अली सयालवी साहब दामत बरकात वल कुदसिया मुनाज़िर इस्लाम खतीब आज़म आस्था नालिया सयाल शरीफ सरगोदा आप तशरीफ़ लाए मैं दिल की अथाह गहराइयों से दीदा दिल फरशेरा क़िबला आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके पहलू में तशरीफ़ फरमा पीर तरीकत रखबरी शरीयत आस्थान अलिया चकोड़ी शरीफ की बहार हज़रत साहबजादा नूरुल अमीन फारूकी साहब दामत बरकात वल कुदसिया तशरीफ़ लाए आपके लख्त जिगर और नूर नज़र मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन चकोड़ी शरीफ आस्थाना आलिया का ये हसी चेहरा हज़रत साहबजादा हसीबुल अमीन साहब फारूकी दामत बरकात वल कुदसिया तशरीफ़ लाए मेरे हजूर पीर सयाल गरीब नवाज के बेहद मंजूर नज़र हमारी गलतियों पे दरगुजर करने वाली और माफ़ी देने वाली शख्सियत मोहतरम नदीम भट साहब तशरीफ़ फरमा है मैं दिल की अथा गहराइयों से भट साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और चाहता ये हूँ कि एक नारा लग जाए सारे सयालवी हबाब अपने हंसी चेहरों को बिल्कुल गुलदस्ते की सूरत में शहजादगान साहबजादगान तशरीफ़ लाए मुफ्ती पाकिस्तान तशरीफ़ लाए लाला मूसा से बड़ी बड़ी शख्सियात भी तशरीफ़ लाएँ। मैं इस्तकबाल की नीयत से गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ बुलंद करके बोलिए लजपाल लजपाल पीर सयाल लजपाल लजपाल पीर सयाल।
शम्मा जला लो दिल में, इश्क है सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। दर्द दिल नाल बाद मरने के, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अब तो बोलो बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अंधेरी कब्र सुनी थी सियाल शरीफ दा फैज़े, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग ले के चले सीने पे दागे इश्क अहमद लेके चले। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले। सरकार के झंडे के तने, मेरी सरकार का जो चाहने वाला होगा। अब तो बोलो मेरी सरकार का जो चाहने वाला होगा। और चिश्ती साहब फते मैं कलाम शुरू किया, आखिरी तो पहला शेर चिश्ती साहब की नजर। बिस्मिल्लाह। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, इस वसीले से करम और दुबाला होगा। और सिले नाते नबी पाएगा जिस दिन खालिद, सिले नाते नबी पाएगा जिस दिन खालिद, वो करम देखना तुम, वो करम देखना तुम, देखने वाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला हो। सवाल मोहतरम फखर सियालवी साहब तशरीफ लाए हैं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से चुके सारे हुजूर दे मंजूर नज़र तशरीफ़ फरमाने जामे ज़ियाउल नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीदुल कुरान और हाफिज़े कुरान, मैं अभी जिन बच्चों को बुलाऊंगा ये कुरान करीम पढ़ रहे हैं, और तीन बच्चों की दस्तार फजीलत है जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया, ये मेडल हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मैं जल्दी जल्दी नाम लेता जाऊँगा। शदाद गान औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहला ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहब साढ़े शेर दा ताज ने हजूर पीर सियाल गरीब नवाज दे आस्थाने दे खतीब, उत्थे कोई खतीब हर कोई नहीं लगता,
हर किसी की ड्यूटी नहीं लगती, लगती वो दी है जिन्हों हजूर पीर सियाल कबूल फरमाते हैं। आप दा आना साढ़े वास्ते बाइसे फख्र भी है और बाइसे इज्जत भी है, बाइसे शरफ भी है। मैं आप दा तह दिल तो मशहूर हाँ आप तशरीफ लियाए, और आप दे नाल बड़ी प्यारी शख्सियत हजूर पीर सियाल गरीब नवाज दे मंजूर नज़र हजूर किबला पीर नूरुल अमीन फारूकी आस्थाना है आलिया चकोड़ी शरीफ आप भी तशरीफ लियाए, और आप दे नाल इलमी शख्सियत हजरत साहब दादा पीर हसीबुल अमीन साहब फारूकी आस्थाना है आलिया चकोड़ी शरीफ आप तशरीफ लियाए। मैं आप दा भी बड़ी तह दिल तो मशहूर हाँ तुहाडे सारिया दा। सिर्फ गुजारिश है, याद रखो यह जिहड़ा इदारा ना और मस्जिद और मदरसा, इस दियां बुनियादां दे विच जिहड़ियां इट्टां लगियां ना वह हजूर पीर सियाल गरीब नवाज ने दम करके दित्तियां। तो सारा तुहानूं जिहड़ियां टोपियां नज़र आउंदियां ने यह सारा हजूर पीर सियाल दा ही करम है। तो इस दे अंदर इदारे दे अंदर हिफज़ दे नाल नाल जिहड़ी जनरल तालीम है वह भी दित्ती जाती है। तो वह बच्चे जिन्हां नाल स्कूल भी पढ़ते हैं वह भी इम्तिहान दिता है, नाल जिहड़ा हिफज़ किया वह इम्तिहान दिता है, उन्होंने मैडल। तो जिन्हां बच्चों उस दे नाल मुकम्मल हिफज़ कर लिया उन्हां दी दस्तारबंदी होगी। तो ओन चिश्ती साहब गुजारिश करना कि आप उन्होंने बुलाण और वह बच्चे आ के अपना मैडल भी लैन अदर साहब के घरों मुफ्ती साहब के घरों, तो और बाद दस्तारबंदी जो बच्चे हिफज़ किया। और मैं ये शुक्रिया भी अदा करना इस इदारे के मुदरस कारी नासर महमूद नक्शबंदी साहब के बड़ी मेहनत करते हैं पे, अल्लाह ताला इन्होंने जजाए खैर भी अता फरमाए और इन्हों के बच्चों की भी खैर फरमाए। सुभानअल्लाह, सारी बात शाह जी ने खुद फरमा दी है। मैं नाम लेने लगा हूँ सिर्फ हामद वलदा आबद अली, जल्दी जल्दी बच्चे आते गए। हामद वलदा आबद अली, सफियान वलदा आबद अली, इरफान वलदा आबद अली। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तैयब बाबर वल्द बाबर अली, रेहान शहजाद, आकाश वल्ताज, तैयब बाबर वल्द बाबर अली, रेहान शहजाद, आकाश वल्ताज, अली वल्द बाबर अली, फैजान वल्द मोहम्मद असजद, रेहान गुलजार, सुभान गुलजार, रेहान गुलजार, सुभान गुलजार, गुलाम मुस्तफा वल्द गुलाम कमर, मोहम्मद ईशान, शहजाद सादक वल्द मोहम्मद सादक, नुखेज़ असजद वल्द असजद, मोहम्मद हसन शाह वल्द शकील शाह, मैं हज़रत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब से भी गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को दुआ भी दें और अपने दस्ते मुबारक से ये हुस्ने कारकर्दगी के लिए मेडल जो दिया जा रहा है ये भी उनके गले का हार बनाएं। हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वह तशरीफ़ लाएँ। असद अली एहसानुल्लाह, सफियान वल्द इश्तियाक, मोहम्मद शाह हुसैन वल्द शकील शाह, अहमद शम्स शम्स तबरेज़ वल्द शम्स तबरेज़, अहमद शम्स, मजीदुर रहमान शाह वल्द सैफुर रहमान शाह, मोहम्मद जाहिद, साजद अहमद वल्द साजद अहमद, अली अब्दुल्ला वल्द मुनव्वर अली, सुलेमान वल्द मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इब्राहिम, जरोश वल्द आसम अली, मोहम्मद इब्राहिम, सुलेमान वल्द मोहम्मद अदनान, मोहम्मद इब्राहिम वल्द मोहम्मद अफजाल, जरोश वल्द आसम अली, उमैर वल्द मोहम्मद इरफान, जोरिश वल्द आसम अली। आ गए जी जोरिश भाई, सुभान अल्लाह। हाँ जी उमैर तक आ गए हैं। अब एक नारा बुलंद करें। मैं तीन उन बच्चों का ऐलान करना चाहता हूँ जिनके सीने में रब ने कुरान को महफूज किया है। नारा तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये सुलेमान भाई अपना मेडल वसूल फरमाएं। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा दस्तार फजीलत के लिए, इस बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज किया, हाफिज इब्रार हैदर शाह, हाफिज इब्रार हैदर शाह वल्द मोहम्मद जमील शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ खड़े करके बोलो लाजपाल लाजपाल पीर से, लाजपाल लाजपाल। हाफिज फरहान अली, सुभान अल्लाह। दूसरे बच्चे ने जिसने कुरान हिफ्ज किया, हाफिज फरहान अली वल्द मोहम्मद इसहाक, इनके वालदैन को और बिलखसूस इनके उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद नासर साहब पास खड़े हैं। खराज अकीदत है किबला शाह जी को और कारी साहब को कि इन बच्चों को कुरान करीम न सिर्फ सिखाया पढ़ाया बल्कि हिफ्ज कराया। मैं तीसरे बच्चे को दावत दूंगा कि वह तशरीफ़ लाएँ और दस्तार फजीलत चकोड़ी शरीफ के ताजदार अपने दस्ते मुबारक से बल दस्तार के बांध रहे हैं। आपके साथ मुफ्ती पाकिस्तान मंजूर नज़र हजूर गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती शौकत अली सयालवी साहब हजूर मनाजर इस्लाम तशरीफ़ फरमा हैं। हजरत अल्लामा खातिम हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। साहबजादा हसीबुल अमीन साहब, हाफिज़ मोहम्मद अली, हाफिज़ मोहम्मद अली खान, माशाल्लाह। लाजपाल लाजपाल पीर से, लाजपाल लाजपाल। ओ देखो यार, तू हर महफिल नु खराब करना है, ऐसे नहीं करीदा, अगले बंदे दा प्रोग्राम नहीं खराब करीदा। बैठ जा, इतना नरमी सारे इख्तियार कर दे, अच्छी गल नहीं है। हाँ बैठ जा, बैठ जा, टीच नहीं बन जाएगा, बैठ जी। अरे नात पढ़नी, सारे नात ही पे पढ़ने हैं, बैठ जा तू। हाफिज मोहम्मद अली खान, सुभान अल्लाह। हो गया जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहबजाद गान का और मुफ्ती पाकिस्तान का, भाई फ़खर साहब का, नदीम भट्ट साहब तशरीफ़ लेके आए उनका खुशा मदीद भी कहता हूँ। और चाहता ये हूँ कि अभी दिल ये चाह रहा है कि सदारती खुतबा सुना जाए मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन आस्थान अलिया चकोड़ी शरीफ से तशरीफ़ फरमा साहबजादा वाला शान, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं। इनके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम खिताब सुनेंगे हजरत साहब का। फिर एक दफ़ा खुफाज को मुबारकबाद पेश करते हुए, फ़ख्र भाई इन्हें बिठा लो थले, बैठ बैठ जाओ, इन्हें बिठा लो थले, बैठ जा यार, यार ना तू प्रोग्राम नहीं ख़राब करे, अगर तो हर जगह पर आ जाना है, बैठ जा ना जी। मैं गुजारिश करूँगा हजरत साहबजादा वाला शान मकबूल अरबो अजम हज़रत अल्लामा साहबजादा हसीबुल अमीन फ़ारूकी साहब दामन बरकात वल कुर्सी के जलवागर होते हैं और अपने अफकार व ख्यालात से हमारे कुलूब जहान को मुनव्वर फरमाते हैं। मुख्तसर सा हुक्म हुआ है हज़रत शाह जी की तरफ से, आप अखबाब से गुजारिश है नारे से इस्तकबाल कीजिएगा। हजरत साहब की गुफ्तगू बड़ी प्यारी होती है, आप अखबाब ने नारा बड़ा प्यारा लगाना है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बच्चे भी ना होने तो ओला भी कोई ना हो, मेहरबानी करो जरा बच्चों चुप रहो, जरा आप नारा लगाओ, नारा तकबीर, कोई आवाज आई है, नारा रिसालत। सजा हाथ जवान खड़ा करे, बाबे ना खुलान, बाबे को दुआ लेनी होती है, जवाना के गुजारिश होती है। अब सब बोले नारा रिसालत, बोलो ताज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। आवाज आई जी, ताज दारे खत्म नबूवत, कोई नहीं आ रही आवाज, ताज दारे खत्मे नबूवत, अभी भी कमी है, ताज दारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, बोलो ताज दारे खत्मे नबूवत, सब बोलो लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه واهل بيته واولياء امته وعلماء اهل سنته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मिलके मोहब्बत के साथ बाबाज़े बुलंद दुरूदो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द रब्बे कायनात, तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद, हदिया अकीदत मोहब्बत, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के बाद हज़रात ज़ीवाकार किबला मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहिब, आपकी मौजूदगी में मैं इस काबिल तो नहीं कि माइक पे खड़े होकर कुछ बयान करूं। तो अहबाब ज़ीवाकार, लेकिन अगर इस काबिल हूँ भी, अगर माइक पे खड़ा भी हो सकता हूँ, तो ये सारा हुजूर पीर सियाल का करम है, क्योंकि बचपन से टुकड़े हुजूर पीर सियाल के खाए हैं। तो इसलिए जनाबे वाला सियालवी रंग को देखते हुए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, ना लूँगा किसी का नाम तुझे देखने के बाद, मेरी तलख जिंदगी के सभी नाकाम मराहिल हल हो गए तमाम, तुझे देखने के बाद, जलवा किसी का हो के तजल्ला किसी का हो, है देखना हराम तुझे देखने के बाद। और कल तक इस फरीद को कोई पूछता न था, है अब के बड़ा मकाम तुझे देखने के बाद, है अब के बड़ा मकाम तुझे देखने के बाद। और जे मैं वेखा ते मेरा यार ना वेखे, ते जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, ओ एडे चंगे ने कित्थों लेख मेडे, कि मेडे वेखण दे विच वेखे, ओ गुलाम फरीदा बूहे यार दे मरिए, सोना वेखे या ना वेखे। हजरत दी वकार, आज के उस उर्से मुबारक की तकरीब सईद से ये पैगाम लेते जाइए, ये पैगाम है मेरे हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज की इस जनाबे वाला कॉन्फ्रेंस का, ये पैगाम है कि गुलाम फरीदा बूहे यार द मरिए, सोना वेखे या ना, सोना वेखे या ना, सोना वेखे या ना, तन तंदूर ते हड्डियां बालन असहावा नाल तपाया, ओए कप कप बुकियां वे मैं पेड़े कीते, ओ तो इश्क पलेथन लाया, ओ तन दी हांडी ते मन दा सालन, ओ तो लोन सबर दा पाया, वे गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनो अजे तबार नहीं आया। हजरत दी वकार, उर्से मुबारक की तकरीबे सईद में आए बैठे हैं, तो याद रखिएगा, उर्स बेअदबों के नहीं होते, अदब वालों के होते हैं। उर्स नफरत फैलाने वालों के नहीं होते, बल्कि मोहब्बत फैलाने वालों के होते हैं। उर्स गुस्ताहों के नहीं होते, उर्स आशिकों के होते हैं। मैं किबला पीराने उज़ाम और मुफ्ती साहेब के कदमों में खड़ा होकर ये जमला कहने लगता हूँ, जनाबे वाला याद रखना, औरस उन पाक हस्तियों के होते हैं, औरस उन पाक शख्सियात के होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल होते हैं। हजरत दी वकार, वो एक दीवाना था ना, वो जा रहा था रस्ते में, उस दीवाने को किसी ने जनाबे वाला प्याले के अंदर दूध डाल कर दिया, उस दीवाने ने नोश किया, पी लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, आगे चला गया। जनाबे वाला जब वो दीवाना आगे गया ना, आगे कोठी आई, उस कोठी के दरवाजे पे एक तवायफ बैठी थी, उस तवायफ के साथ उसका एक यार बद अतवार बैठा था। जब जनाबे वाला वो दीवाना वहां से गुजरने लगा, तो नीचे पानी था गंदा, जनाबे वाला बारिश हो रही थी, उस दीवाने का पांव फिसला, जनाबे वाला गंदा पानी उड़कर तवायफ के कपड़ों के ऊपर पड़ा,
जो साथ उसके उसका दीवाना उसका जनाबे वाला यार बद अतवार बैठा था, वो गुस्से में आया, उसने उठकर उस दीवाने के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। उस दीवाने ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला तेरी बेनियाजी, कभी तो दूध अता करता है और कभी नसीबों में किस्मत में ये थप्पड़ आते हैं। हजरत जी वकार तवज्जो चाहूंगा, हजरत वो दीवाना ये जुमला कहकर आगे चला गया। अब वो यार बदतवार छत पे जाता है, उसका पांव छत पे जाकर फिसल जाता है, वो नीचे गिरता है और जनाबे वाला छत से नीचे गिरता है, मर जाता है। अब वो दीवाना वापस वहां से गुजरने लगता है, किसी ने पूछा ए बाबा जी बद्दुआवां देंदे हो, बद्दुआवां देंदे हो, तुहाडा पैर फिसलिया ते जनाबे वाला कीचड़ उड़ा उड़कर उसकी तवायफ के कपड़ों पे पड़ा और उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने बद्दुआ दी। आपने कहा ओ हम बद्दुआएं नहीं देते, हम तो दुआएं देते हैं। अब वो बाबा कौन था, बाबा कौन था जिसको थप्पड़ पड़ा था? वो बाबा कोई आम नहीं था, वो बाबा आस्ताना आलिया पाक पतन शरीफ का ताजदार हजरत बाबा फरीद था। हजरत जी वकार जब वो बाबा वहां से गुजरने लगा ना, तो बाबे ने कहा, हजरत बाबा फरीद ने, आपने फरमाया हकीकत क्या है, क्या हकीकत है कि इसका पांव फिसला ये मर गया? आपने फरमाया वजह ये है कि जब मेरा पांव फिसला और इसकी तवायफ के कपड़ों पे पानी पड़ा तो इसके यार बद अतवार को बर्दाश्त ना हो सका, उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जब मुझे थप्पड़ पड़ा तो फिर मेरा रब बर्दाश्त ना कर सका। हजरत जी वकार, इसलिए आखिरी जुमला मेरा ये है, लोगों बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े खुशबख्त हो के औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो, इसलिए तो मैं ये जुमला कहने लगा हूं, लोगों ओ हमारे ईमान को कोई बंदा खरीद नहीं सकता। हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का नारा लगाते हैं तो दलाइल के साथ, हम हजरत उमर फारूक की शान बयान करते हैं तो दलाइल के साथ, हजरत उस्मान गनी की शान बयान करते हैं तो दलाइल के साथ, हजरत मौला अली की शान बयान करते हैं तो दलाइल के साथ, हजरत इमाम हसन की शान बयान करते हैं तो दलाइल के साथ, हजरत इमाम हुसैन की शान बयान करते हैं तो दलाइल के साथ, हजरत अमीर मुआविया की शान बयान करते हैं दलाइल। उच्चे बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जनाबे वाला हम कहते हैं अस्हाबे मोहम्मद के हम चाहने वाले हैं, अस्हाबे मोहम्मद के हम चाहने वाले हैं, हम असल हुसैनी हैं, हसनैन हमारे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर वदावना सुभान अल्लाह। मुख्तसर मगर जामिया गुफ्तगू आप अहबाब ने समाप्त फरमाई। जो आखिर पे आपने बात की है ना, वो सयाल शरीफ का तुर्रा इम्तियाज है। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, आपने जब दलाइल दिए थे ना, जो पीछे जो मामला चला तो आपकी वीडियो लाइव आ गई हजरत की इजाज़त से, तो जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए ना, उस लफ्ज की बड़ी कीमत अवाम में आई। मैं अपने गुजरात की बात करूँ तो उन्होंने कहा हमने शौकत सियालवी साहब को सुना है, तो वो बराए रास्त सैयदा कायनात का तो नाम ही नहीं लेते, वो तो कहते हैं हजूर की साहबजादी जी। सानू तो हजूर पीर सयाल को मैं गल बड़ी बारीक कर लगा, भट्ट साहब तशरीफ फरमा ने तुहाडी नज़र कर देना, सानू तो जी का लफ्ज लभ्या सयाल शरीफ तो, वो हजरत मेरे माविया अगे होण या खुलफाए राशिदीन होण, असा करनी है जी, साडा कोई दूजा काम नहीं। और फिर एक बड़ी बात जो सयाल शरीफ की तरफ है, अल्लाह आप सबको ले जाए सयाल शरीफ, आमीर कह छड़ी रहा है, आप समझ रहे हैं।
वहां पे तख्ती लग गई है। भाई जिसका ये अकीदा है वो इसे आल शरीफ का है। तो इस दौर में इतना बड़ा काम करना ये मेरे हजूर गरीब नवाज अमीर शरीयत का ही काम था कि सारी जिंदगी का महासल सबसे ज्यादा सजादा नशीनी की उम्र सियाल शरीफ में हजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज की है। और फिर जो काम हजूर अमीर शरीयत ने की है उस पे हजूर शेखुल इस्लाम को भी फख्र है, और फख्र क्यों ना हो बेटा, ही ऐसा है। और जो अब तशरीफ लाए हैं वो हमारे आला हजरत बड़े ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रजी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ मोतबर हैं। और हूबहू हजरत ने फरमाया था जब ये तशरीफ लाएंगे तो बड़े हजरत का फैज़ दोबारा आ जाएगा। आप एक दफ़ा जाएं तुसी सुबहान अल्लाह खुद मैं गल करा मुर्शिद बाज नहीं रब का पता मिलता। मुफ्ती साहब एवं लफ्ज़ तुहाड़े सामने असी तो कोई नहीं कह सकते। मुफ्ती अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद अगर कोई बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान, आपका वक्त बड़ा कीमती है मुझे इस बात का भी एहसास है, मगर दिल किया है कि आपके सामने ये बात करूं कि मुफ्ती साहब के बाद अगर कोई पाकिस्तान में जिनके सामने मैं कहूं कि 1 लाख मुफ्ती एक पासे हो एक तरफ हो तो मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहब एक तरफ हुआ करते हैं। तो आप हजूर मुनाजर इस्लाम हैं, ये मेरे हजूर गरीब नवाज का फैज़ अजीम है। सलाम अकीदत है मुर्शिद बाज नहीं रब का पता मिलता लख को तस्बी गेड़े मुर्शिद बाज नहीं मन नाल मन दे मन का फेर फेरी नीरे मन के नाल नहीं मन दाओ उते जान दा मन दे मन के अनु मन के खुश्क मैदान च पन दाओ मन और पासे मन का और पासे महरम राज तेरे हर एक फन दाओ कहना मन सरदार तू मन पेश कर दे पर जो मन दे यार नहीं मन दाओ मुर्शिद बाज नहीं रब दा पता मिलता लख को तस्बी गेड़े। इस मेरे मिसरे पे हाथ खड़ा करके वो बंदा सुभान अल्लाह कहेगा जिस पे मुर्शिद का करम है, दूसरा बंदा बिल्कुल ना बोले तय हाथ जरा चादरें हटाए हाँ जी चेहरे दिखाए मैं हजरत को दावत देने लगा हूँ ताय हाथ बुलंद करें बुलंद करके आपने मुर्शिद वाला बोले दूसरे बंदे को मेरा सलाम है मुर्शिद बाज नहीं रब दा पता मिलता लाख को तस्बी गेड़े। ओ भाई पीर जिन्हां दे सिर ते होवण कौन उन्हां नूं छेड़े लजपाल जिन्हां दे सिर ते होवण पीर सयाल जिन्हां दे सिर ते होवण मैं मनिया मेरा अखलाक कोई नहीं कदों आखिया बड़ा सुलग हाँ मैं खादम हजूर दिया खादमा दा खुश्क बाजा तो रहना अलग हाँ मैं मलहार हाँ आशका सदका लई बेअदब गुस्ताहा लई अग हाँ मैं मन कोई सरदार भी चिड़कदा नहीं पीर सयाल दे बूए दा सग हाँ मैं उन्हां नाल नहीं झगड़ा साडा किन्हां नाल सिर तो लैके पैरां तक होवे हमशकल बच्चा बिल्ली का शेर नहीं हो सकता किसी मरदे कलंदर की नजर बाजो नफ्स कदे भी जेर नहीं हो सकता। ऐस मिसरे ते मैं अली अला लब लगा दरा तवज्जो फरमायो नफ्स कदे भी जेर नहीं हो सकता हत्था नाल जो खैबर दा दर तोड़े हैदर जिया दलेर नहीं हो सकता हैदर जिया दलेर नहीं हो सकता। और औलादे पाक किसकी है उसे ही हैदर कर्रार का अक्कास कहते हैं जिसे हसनैन मुर्तजा अपनी आस कहते हैं उसे ही हैदर एक आखिरी रुबाई है और हजरत को दावत खिताब है इस पे आपकी सुभान अल्लाह चाहिए मेरे हजरत औलाद किसकी है मेरे हजरत खून किसका है उसे ही हैदर कर्रार का अक्कास कहते हैं जिसे हसनैन और मुर्तजा अपनी आस कहते हैं जो काबिज हो के दरिया पे प्यासा ही पलट जाए वफादारों की दुनिया में उसे अब्बास कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ खतीब मिल्लत इस्लामिया मसल के हक अखल सुन्नत के तर्जमान सादत की बात समझता हूँ बड़ी शख्सियत को दावत सुगन दे रहा हूँ दावत खिताब मलफूजात को सुनते हैं बड़े अदब के साथ गुजारिश है मुफ्ती पाकिस्तान हजूर मुनाजर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शौकत अली सयालवी साहब दामद बरकात वल कुदसिया जलवागर होते हैं अपने खूबसूरत हसी खिताब से हमारे कुलूब अजहान को मनवर फरमाते हैं। अखबाब से गुजारिश है ऊँची आवाज़ ना बोलो नारे तकबीर नहीं बोले नारे तकबीर नारे रिसालत मुर्शिद अला बोले नारे हैदरी नारे तहकीक बैठ जाए जल्दी जल्दी बैठ जाए जल्दी जल्दी मेहरबानी तशरीफ रखें बैठ जाए जब तक माइक आता है। हम महले मवद्दत हैं साई हर रोज बशारत होती है इस मिसरे पे शौकत सियालवी साहब भी संभाल ना कहेंगे मेरा ईमान कह रहे हैं हम महले मवद्दत हैं साई हर रोज बशारत होती है हर शाम मदीने जाते हैं हर रोज ज़ियारत होती है जब रोजे मक्सर आएगा मैं दामन सिद्दीक थामूंगा
जब रोजे मक्शर आएगा मैं दामन उमर थामूंगा, जब रोजे मक्शर आएगा मैं दामन उस्मान थामूंगा, जब रोजे मक्शर आएगा मैं दामन हैदर थामूंगा, जब रोजे मक्शर आएगा मैं दामन पीर सियाल का थामूंगा। अरे वो देख कहेंगे अपना है, अपनों को इजाजत होती है। बोलिए लजपाल लजपाल। इजाजत गरीब नवाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबीजीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। मेरे इंतहाई वाजिबुल कद्र वल एहतराम मेरे आका करीम अलैहि तहियातु व तस्लीम की प्यारी औलाद अमजाद हज़रात सादात एज़ाम, बिलखसूस हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयदुस सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद साहिबजादा शकील सैयद मोहम्मद शकील शाह साहिब गरीब नवाज दामत बरकातुकुमुल आलिया, इंतहाई वाजिबुल कद्र वल एहतराम हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद नूरुल अमीन शाह साहिब फारूकी गरीब नवाज दामत बरकातुकुमुल आलिया, फाजिल जलील आलम नबील हज़रत साहिबजादा वाला शान हज़रत क़िबला साहिबजादा पीर मोहम्मद हसीबुल अमीन शाह साहिब फारूकी गरीब नवाज दामत बरकातुकुम लालिया, दीगर अकाबिर अफाजिल उलामाए ज़ीशान मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ीवकार मोहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह करीम जल्ला शानुहू की ख़ास रहमत उसकी मेहरबानी और फ़दलो करम से हम सब हज़रात उर्स मुक़द्दस की इस बाबरकत महफ़िल अक़दस में हाजिर हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानुहू हम सब की यह हाज़िरी अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए और जिन दो करीम हस्तियों के मुबारक नामों के उनवान से आज का ये उर्स मुबारक मुअन्वन है, हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयदुस सादात क़िबला पीर सैयद मोहम्मद मसऊद अहमद शाह साहिब नक्शबंदी गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अज़ीज़ और हुजूर सैयदना पीर सियाल लजपाल सैयदना अमीर शरीयत नायब शेखुल इस्लाम हुजूर सैयदी ख्वाजा खाजगान सैयदी अल्लामा हाफिज ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहिब गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अज़ीज़, अल्लाह पाक इन दोनों करीम हस्तियों के दराजात आलिया अपनी बारगाह अक़दस में मज़ीद बुलंद से बुलंद तर फरमाए और इन दोनों करीम हस्तियों को अल्लाह पाक अपनी बारगाह अक़दस में उस मकाम इज़्ज़त और मकाम वजाहत पर फ़ायज़ फरमाए कि जिस मकाम इज़्ज़त व अज़मत का अल्लाह करीम जल्ला शानुहू ने ऐसी करीम हस्तियों के लिए अपनी बारगाह अक़दस में महले इज़्ज़त व करामत मुतय्यन फरमाया हुआ है और हमें इन करीम हस्तियों के फ्यूज़ व बरकात और इन हस्तियों के ज़िक्र मुबारक के फ्यूज़ व बरकात अल्लाह पाक फरमाए। हमारी नहायत ही सआदत और खुशकिस्मती है कि उर्स मुबारक की इस पाकीज़ा महफिल में हम आले रसूल अलैहिस्सलाम की मुबारक हस्तियों के ज़िक्र से फैज़याब हो रहे हैं। सही मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द किताबुल फ़ज़ाइल सफ़ा 225 पर हज़रत सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम प्यारे सहाबी रदी अल्लाह तआला से मरवी हदीस सही मौजूद है कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहियातु तस्नीम आप जब सन 10 हिजरी में हज्जे बैतुल्ला मुकम्मल फरमाकर मदीना तय्यबा की तरफ अपने प्यारे ग़ुलामों के साथ वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो रास्ते में मक्का मुकरमा और मदीना तय्यबा के रास्ते में एक मकाम है जिसका नाम गदीर खुम है। गदीर अरबी ज़ुबान के अंदर बहुत बड़े तालाब को कहा जाता है। आज हमारे यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के बल बोते पर पानी के काफ़ी सारे वसाइल और असबाब मौजूद हैं। पुराने दौर में जब ये सहूलत नहीं थी, आज से 1450 साल पहले का तकरीबन जिक्र हो रहा है, तो बारिशें बरसा करती थीं तो मुख्तलिफ मकामात पर लोग बड़े बड़े तालाब जो है वो तैयार कर लिया करते थे और बारिशों का पानी उनके अंदर स्टोर हो जाता था, जमा हो जाता था। इंसान भी उस पानी से नफ़ा उठाते थे
और चरिंद परिंद और बाकी मखलूक इलाही भी उस पानी से फैज़याब होती थी। तो उस इलाके का नाम खुम था और ये गदीर जो है ये बहुत बड़ा तालाब था जिसमें साल भर की बारिशों का पानी जमा होता, और जितने भी लोग मक्का मुकर्रमा की तरफ इन रास्तों से सफ़र करते तो यहाँ चूँकि दरख्तों के बहुत ज़्यादा झुंड थे, मुसाफिर यहाँ पर आकर आराम करते, और आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया कि एक तवील अरसे से वहाँ बहुत बड़ा बाजार तिजारती कायम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों के ताजिर आते, महीना महीना वहाँ पर अपनी मसनूआत जो है वो लोगों के ख़रीदने के लिए वहाँ रखते। इस तरीके से ये बहुत बड़ा एक बाजार भी था, ख़रीदारी का मरकज़ भी था, पानी भी मुसाफरों को बहुत बड़ी मकदार में मैसर आता, साया भी मैसर आता, और अमूमी पर तौर पर दो दो तीन तीन दिन लंबा सफ़र करने वाले मुसाफिर वहाँ पर क़याम किया करते थे। और रास्तों के हवाले से भी देखें तो गदीर खुम को एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी, चूँकि चारों तरफ दूर दूर की आबादियों, शहरों और कबीलों तक वहाँ से रास्ते जो थे वो अलग होते थे। तो हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहियातु तस्लीम, आप भी 18 ज़िलहज को, क्योंकि 9 ज़िलहज जुमे वाले दिन सन 10 हिजरी में महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफात अदा फरमाया, उसी में महबूब अलैहिस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल वदा इरशाद फरमाया, और हफ्ते का दिन था सैटरडे 18 ज़िलहज, महबूब करीम अलैहिस्सलाम गदीर खुम के मकाम पर वापसी पर जलवागर हुए। तो वहाँ वो मारूफ वाक़या भी पेश आया कि जिसका बायस ये था कि जब हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम 25 ज़ीकादा सन 10 हिजरी में हज बैतुल्ला के लिए मदीना तय्यबा से महबूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र फरमाया तो आपने एक दिन कबल 24 ज़ीकादा को हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन खातमुल खुलाफा इमामुल औलिया सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात बबरकत को अपनी बारगाह अकदस में याद फरमाया और फरमाया कि मेरे प्यारे अली पाक, यमन के फलां इलाके से ख़बर आई है कि वहाँ बावजूद के हमारी हुकूमत कायम हो गई थी लेकिन कुछ हजरात ने शोरिश, कुछ कबाइल ने वहाँ पर खड़ी कर दी और बगावत के आसार पैदा हो गए, लिहाजा आप ये हमारा खत लें और रास्ते में यमन के रास्ते में फलां कबाइल जो हैं उनके सरदारों जो फलां फलां हैं उन तक हमारा पैगाम भी पहुँचाएँ, सलाम पहुँचाएँ, ये ख़त उनको आप अता फरमाएँ, वो अपनी फौजें आपकी ज़ेर कमान करेंगे, आप उन इलाकों में पहुँचें और वहाँ अल्लाह पाक आपको फतो नुसरत अता फरमाएगा। वहाँ के इंतज़ाम दुरुस्त फरमा कर आपने इतने ऊँट वहाँ से लेने हैं कुर्बानी के लिए, और जो जो साहिब हज करना चाहे आप उनको यमन के रास्ते से ही हज पर लेकर मक्का मुकर्रमा में आ जाएं, अय्याम हज शुरू होने से पहले पहले आप आ जाएंगे और हमारे साथ आप हज बैतुल्ला अदा फरमाएंगे। चुनाचे हुजूर मौले कायनात करमल्लाहु ताला वजुल करीम फौरी तौर पर आप सफर पर रवाना हो गए। आपने रास्ते में उन सरदारों से मुलाकात फरमाई, जब महबूब अलैहिस्सलाम का खत पढ़ते चले गए, सर आंखों पर रखा, हुजूर मौले कायनात की मेहमान नवाजी भी की और साथ अगले ही दिनों में अपनी फौजें मुरतब करके आपकी ज़ेर कमान कर दी। आप यमन में पहुंचे, जैसे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वहां जंग की हालत जो है वो पैदा हो गई, हत्ता के वहां अमली तौर पर जिहाद करना पड़ा। अल्लाह पाक ने फतो नुसरत अता फरमाई, माल गनीमत जो था वो भी उस इलाके से हुजूर मौले कायनात को हासिल हुआ। सैयदना मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने यह किया कि उसके पांच हिस्से हुक्म शरई के मुताबिक किया माल गनीमत के, आपने पांचवा हिस्सा जो था वो बैतुल माल के लिए आपने रवाना फरमा दिया मदीना तय्यबा की जानेब, और चार हिस्से आपने मुजाहिदीन के अंदर जो है हुक्म शरा शरीफ के मुताबिक तकसीम फरमा दिए। उसमें रुपया पैसा भी था, दीगर चीजें भी थी, और साथ साथ कुछ कनीजें और गुलाम भी थे। वो जो यमन के शुरू होने से पहले के जो कबाइल थे उनके तीन नौजवान, उन्होंने आपस में मशवरा किया और उन्होंने कहा कि हुजूर मौले कायनात करमल्लाहु ताला वजुल करीम हमारे अमीर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको अभी ये माले गनीमत यहां तकसीम नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको ये चाहिए था कि आप सारा का सारा माल मदीना तय्यबा रवाना फरमा देते। जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाते मदीना तय्यबा हज से वापस तो आप फिर उसको
तकसीम फरमा देते। तो आपने ये जो तसर्रुफ किया है और इसके पांच हिस्से किए और पांचवा हिस्सा उधर रवाना किया, चार हिस्से यहां तकसीम फरमा दिए और अपना हिस्सा भी ले लिया, ये आपके लिए ठीक नहीं था। मशवरा करने के बाद हुजूर मौला कायनात की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आप हमारे अमीर हैं और आपकी इताअत हमारे ऊपर इस वक्त फर्ज है, लेकिन हमारा एक इख्तलाफी मामला है, हमारा जहां तक इल्म है उसकी रोशनी में हम ये अर्ज कर रहे हैं कि आप अभी ये तकसीम ना फरमाते बल्कि आप मदीना तैयबा। तो आपने फरमाया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं रहता हूं, मुझे इस चीज का रासिख इल्म हासिल है, मैंने जो कुछ भी किया है अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के आहकाम की रोशनी में किया है। चुनाचे उन्होंने अपना इख्तलाफी मामला वाजे कर दिया और अर्ज की हुजूर ठीक है हमारे चुके इल्म में इसी तरह, लिहाजा हमने अर्ज कर दी, बाकी आपकी इताअत हम पर फर्ज है। तो कोई बुग्ज़ो इनाद कोई दूरी नहीं है, सिर्फ एक मसले में वो ये समझते हैं कि हुजूर मौला कायनात को अभी ये माल तकसीम यहां नहीं करना चाहिए था। फिर ऐसा हुआ कि हुजूर मौला कायनात रात जो कनीज आपके हिस्से में आई थी आपने उससे इस्तिमता किया, जिनसी नफा हासिल किया, और तहज्जुद से पहले उन लोगों ने यह मुलाहजा किया कि हुजूर मौला कायनात ने भी गुस्ल फरमाया है उस कनीज ने भी, लिहाजा दिलों के ऊपर जरा गिरानी इनके बाज आ गया कि जब एक मसले में इख्तलाफ हो गया था तो हुजूर मौला कायनात को कनीज से नफा नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हुजूर मौला कायनात की बारगाह में कुछ अर्ज नहीं की और दिल में रखा कि हम आपके साथ ही हज पे जाते हैं और जब हज से वापसी होगी तो किसी मुनासिब मौका पर महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में यह मसला अर्ज कर देंगे। चुनाचे हुजूर मौला कायनात ने ऊंट लिए, कई हजरात यमन के, ये हजरात भी वहीं से ही मक्का मुकरमा में आ गए अय्याम हज शुरू होने से पहले पहले, और महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साथ ही हज जो है वो अदा हुआ। जब वापसी हुई तो गदीर खुम पर जब 18 जिलहज को हमारे प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दो दिन के लिए क्याम फरमाया तो महबूब अलैहिस्सलाम जितने उन इलाकों के करीबी हजरात थे और कबाइल के मुसलमान, वो महबूब अलैहिस्सलाम से बारी बारी इजाजत लेकर गदीर खुम के मकाम से रुखसत होने लग गए। जब इन तीनों जवानों ने देखा कि मदीना तैयबा वाली हस्तियां तो महबूब अलैहिस्सलाम के साथ हैं, मदीना तैयबा और गदीर खुम तक जो इस सीधे रास्ते पर रहने वाले लोग हैं वो भी महबूब अलैहिस्सलाम के साथ हैं, लेकिन दाएं बाएं जिनके कबाइल और घर हैं वो तो इजाजत लेकर और महबूब अलैहिस्सलाम से दुआएं और आपसे हिदायत लेकर रुखसत होते चले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि मजीद इंतजार ना किया जाए बल्कि यहीं गदीर खुम के मौका पर ही वो मसला जिसमें हमारे जहन में इख्तलाफी एक सोच है वो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज कर दिया जाए ताकि आप जो रहनुमाई फरमाएंगे सबके इल्म में आ जाएगी। चुनाचे एक जवान आगे हुआ और उसने नहायत ही अदब से अर्ज की, हुजूर सब कुछ आका के कदमों पे कुर्बान, हुजूर अमारा अईता माजा फाला अली इब्न अबी तालिब, हुजूर आपने तवज्जो नहीं फरमाई, गौर नहीं फरमाया प्यारे अली पाक ने यमन में क्या किया है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने आरादा अनहो, हदीस सही के अंदर है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इतनी बात कि ये जवान मेरे प्यारे अली पाक की शिकायत करना चाह रहा है, महबूब अलैहिस्सलाम को एक फिकी मसले के अंदर भी हुजूर मौला कायनात से इख्तलाफ पसंद ना आया, शिकायत का लबो लहजा पसंद ना आया, आरादा अनहो, महबूब अलैहिस्सलाम ने दूसरी जानब अपना रुख अनवर फरमा कर किसी और मौजू पर अपने इधर तशरीफ फरमा गुलामों से गुफ्तगू शुरू फरमा दी। अब उन गुलामों को समझ जाना चाहिए था, शिकायत करने वालों को, कि महबूब अलैहिस्सलाम को तो पसंद ही नहीं है कि एक शरई फिकी मसले में भी हुजूर मौला कायनात की शिकायत की जाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने तो रुख अनवर फेर लिया लेकिन नहीं, वो ना समझ पाए, वो जवान पीछे हो गया और जब महबूब अलैहिस्सलाम इधर गुफ्तगू फरमा कर दोबारा मुतवज्जे हुए वो दूसरा आदमी आगे हो गया और अर्ज की, हुजूर सब कुछ आका के कदमों पे कुर्बान, हुजूर आपने तवज्जो नहीं फरमाई, प्यारे अली पाक ने क्या मामला किया। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने आरादा अनहो उससे भी एराज फरमाया और दूसरे मौजू पर इधर जलवागर अपने प्यारे गुलामों से आपने गुफ्तगू किसी और मौजू पर। अब जब उधर से महबूब अलैहिस्सलाम फारिग हुए तो तीसरा जवान आगे हो गया और जब उसने भी शिकायत करनी शुरू की तो हदीसे सही के अंदर है कि अकबला इलई है बेवजह ही, महबूब करीम अलैहिस्सलाम फिर मुकम्मल तौर पर अपने चेहरे अनवर के साथ उस तीसरे जवान की तरह मुतवज्जे हो गए और महबूब अलैहिस्सलाम ने आलम जलाल में इरशाद फरमाया कि तुम हजरात
मेरे एराज करने के बावजूद और बेतवज्जोही का इजहार फरमाने के बावजूद जो बार बार शिकायत कर रहे हो, मुझे पहले एक बात बताओ, अवलस्तो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं अल्लाह का प्यारा महबूब नबी अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम अहले ईमान को उनकी जानों से भी ज्यादा महबूब और प्यारा हूं या नहीं हूं? अवलस्तो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तमाम के तमाम अहले ईमान को उनकी जानों से भी ज्यादा प्यारा महबूब औला नहीं हूं? फौरी तौर पर वो जसा अला रुकबत ही, अपने घुटनों के बल हो गया वो जवान और मुआफी तलब करने लग गया, हुजूर मेरा सब कुछ आका के कदमों पे कुर्बान, हुजूर नाराज ना हो, मेरे करीम आका अंता औलाना मिन अनफुसिना, हुजूर ये जान क्या है, हम जितने भी आपके गुलाम अहले ईमान हैं आप हमें जानों से भी ज्यादा अजीज हैं, आपके हुजूर एक इशारे पर हमारा सारा कुछ कुर्बान है, अंता औलाना मिन अनफुसिना, हुजूर आप हमें हमारी जानों से भी ज्यादा प्यारे महबूब और अजीज हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कुंत मौला हो फअलीजुन मौला हो, मैं मौला हूं मेरा अली भी उसका मौला है। तो यहां वलिया यली विला से मुश्तक, चूंकि मौला इसमें मफूल का सीगा है, मौला इसमें मफूल का यहां सीगा और इसका माना है महबूब, वो हस्ती जिससे विला रखी जाए, जिससे तवल्ला रखा जाए, जिसको महबूब बनाया जाए। तो फरमाया मुझ अल्लाह के महबूब को तो अपनी जानों से भी ज्यादा प्यारा और महबूब जान रहे हो, तो फिर सुन लो कि मन कुन तो मौला हो जिसका मैं महबूब हूं, फअलीजुन मौला हो, मेरा अली भी उसका महबूब है। फरमाया तुम मुझसे लाख मोहब्बत के दावे करो, मुझ अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावे में उसी वक्त सच्चे हो गए कि जब मुझे महबूब मानते हो तो मेरे अली को भी उसी तरह महबूब मानो। ये फरमा कर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली, हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई। ये पिछले जो अल्फाज मुबारक हैं हदीस पाक के, मन कुन तो मौला हो फअलीजुन मौला हो, इसके बारे में इमामुल मुहद्दिसीन इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन उस्मान अज़्ज़ाहबी, जो 748 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, आपने यही फरमाया। अल्लामा हाफिज इबन कसीर दिमश्की, जो 774 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, अल्लामा हाफिज इबन हजर अस्कलानी शारह बुखारी, जो 852 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, अब 1444 सने हिजरी जारी है, ये सब हमारे आइमा मुहद्दिसीन यही फरमाते हैं कि मन कुन तो मौला हो फअलीजुन मौला हो, ये अल्फाज ये मुतवातिर अल्फाज हैं। मुतवातिर हदीस वो हदीस होती है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक फरमान जारी फरमाया तो आगे सुनने वाले और उसको याद रखने वाले और फिर सेम उन्हीं अल्फाज को ही अदा करने वाले इतनी बड़ी जमात हो कि जिनका झूठ पर जमा होना अकलन मुहाल हुआ करता है, क्योंकि दो चार बंदे हो तो वो तो आपस में एका कर सकते हैं कि मैं भी यही सेम यही वर्डिंग और अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, आप भी इस वाक्य के मुतल्लिक यही अल्फाज रट लो और याद कर लो और जज साहब के सामने अदालत में या पंचायत में बयान कर देना, तो वो बिल्कुल एका कर सकते हैं, लेकिन एक जमात कसीरा एक ही बात को एक ही अल्फाज के साथ बयान करे तो कहीं ना कहीं तो फर्क लफ्जों का लग जाना चाहिए। नहीं, अगर दो चार बंदे रावी हो तो वो खबरें वाहिद हुआ करती है जो कता और यकीन का फायदा नहीं देती, जन और गुमान का फायदा देती है, लेकिन मुतवातिर हदीस और रिवायत वो होती है कि महबूब अलैहिस्सलाम से इतनी बड़ी जमात सुनकर याद करे और फिर आगे रिवायत करे, फिर उनसे अगली जो जमात है ताबेईन की वो इतनी बड़ी जमात रिवायत करे, फिर तबा ताबेईन के तबके में इतनी बड़ी जमात रिवायत करे, फिर उनके आगे शागिर्दों में इतनी बड़ी जमात। तो जिन मुहद्दिसीन ने किताबें मुरत्तब की हैं बुखारी और मुस्लिम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिमा और उस दौर के आइमा मुहद्दिसीन मुरत्तबीन कुतुबे हदीस तक, हर तबके के अंदर इतनी बड़ी रावियों की जमात आए कि जिनका झूठ पर जमा होना अकलन मुहाल होता है, तो ऐसी रिवायत और हदीस को हदीस मुतवातिर और रिवायत मुतवातिरा कहा जाता है, और रिवायत मुतवातिर जो होती है वो कतअ और यकीन का फायदा देती है। तो जैसे कुरान की आयत को मानना फर्ज होता है और उसका इनकार कुफर होता है, इसी तरह हदीस मुतवातिर को मानना भी फर्ज और उसका इनकार भी बंदे को मोमिन नहीं रहने देता है। और आइमा मुहद्दिसीन की तहकीक ये है कि महबूब अलैहिस्सलाम के यहां तक जो मुबारक अल्फाज हैं, मन कुन तो मौला हो फअलीजुन मौला हो, ये मुतवातिर है
और आगे जो है बाज़ सनदों में सही सनदों में अल्फाज हैं और बाज़ में नहीं, अगले अल्फाज जो है वो मुतबातिर नहीं बल्कि अखबार अहाद में आए हैं कि उसके फौरन बाद महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक अल्लाह पाक की बारगाह में उठाए और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वादे मन आदा हो, अल्लाह पाक क्यामत तक जो मेरे प्यारे अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रखना, और जो मेरे अली से अदावत और दुश्मनी का मुजाहरा करे तो दुनिया कब्र हशर आखरत में उसकी अदावत और दुश्मनी का बदला उसको अता हो। एक तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, वाले फेल अमर है मुवालात से बाबे मुफाला से बतला दिया कि मन कुन तो मौला हो, मौला का माना यहां क्या है, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो ने जाहिर कर दिया कि खुद वो जुबान अकदस जिससे हुजूर मौला कायनात के मुतल्लिक ये अल्फाज जारी हुए उस महबूब ने भी माना वाज़े फरमा दिया कि यह मौला किसी और माना में नहीं, क्योंकि लफ्ज़ मौला मुश्तरक लफ्ज़ है, उसके बहुत सारे माना अरबी जुबान में आते हैं, यहां जो मौला से मुराद है तो वो महबूब है, विला से है, मोहब्बत के माना में है, तो माना यह है कि मन कुन तो मौला हो फअलीजुन मौला हो, जिसका मैं महबूब हूं मेरे अली भी उसके महबूब होंगे। जब कोई भी हम में से महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से मोहब्बत का इजहार करता है तो चूंकि महबूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो अकदस हुआ करती है, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम की जात को तो अल्लाह पाक ने तमाम कायनात में शाहिद बनाकर भेजा है। कुरान पाक 22वें पारे सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक का इरशाद ग्रामी है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा। कुरान पाक 26वें पारे सूरह मुबारका अल फतह, बल्कि सूरह मुबारका हाँ अल फतह आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह पाक का इरशाद ग्रामी वाज़े तौर पर मौजूद है, इन्ना अरसलनाका शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतं व असीला। तो यहां भी इन्ना अरसलनाका शाहिदन, ए महबूब अलैहिस्सलाम बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। दूसरे पारे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 143 में मुबारक अल्फाज है, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतं वसता लितकूनू शुहदा अला नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तो सूरह अल बकरा के अंदर दूसरे पारे में मुबारक अल्फाज हैं, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम तुम पर शहीद होंगे। तो महबूब अलैहिस्सलाम को इन्ना अरसलनाका शाहिदन, आपको शाहिद भी बनाकर और शहीद भी बनाकर अल्लाह पाक ने कायनात में जलवा गर फरमाया है। तो जब आपका शाहिद होना शहीद होना कुरान पाक से बिल्कुल वाजे है, तो शाहिद और शहीद का माना क्या है? कुरान पाक अरबी मुबीन में नाजिल हुआ है। खुद कुरान पाक 12वें पारे सूरह यूसुफ शरीफ के पहले रुकू में अल्लाह पाक का इरशाद ग्रामी जलवा गर और मौजूद है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिया लअल्लकुम ताकिलून, बेशक हमने इस कुरान को अरबी जुबान के अंदर नाजिल फरमाया, और अरबी जुबान में इसलिए नाजिल फरमाया लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अल्लाह पाक के कलाम को समझ सको। तो नतीजा यह है कि यह बात खुद रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कुरान पाक में कि मेरा कलाम मजीद और मेरा कुरान तुम्हें सही और दुरुस्त तरीके पर तब समझ आएगा जब तुम इसको अरबी जुबान की रोशनी में देखोगे, क्योंकि अरबी में नाजिल ही इसलिए फरमाया है ताकि तुम मेरे कलाम को समझ सको। तो अरबी जुबान में क्या माना है शाहिद और शहीद का? आप जितनी कुरान की लुगत है, मिसाल के तौर पर लुगत कुरान के अजीम जलीलुल कद्र इमाम इमाम अबुल कासिम राग़िब इस्फ़हानी, जिनका विसाल 502 सन हिजरी में, अब 1444 सन हिजरी 942 साल इमाम अबुल कासिम राग़िब इस्फ़हानी के विसाल को हो चुके हैं। तो उस वक्त तो ये आज वाले जो हमारे बरे सगीर में मुख्तलिफ मकातिब हाय फिक्र स्कूल ऑफ थॉट और ये जो इतने ग्रोह बने हुए हैं, तो ये 942 साल पहले तो उनका विसाल हो गया। तो किताब तो उन्होंने अल मुफरादात फी गरीबिल कुरान जो है वो दुनियावी जिंदगी में लिखी थी, तो ये किताब कम अज कम भी 950 साल के अरसा से भी पहले की लिखी हुई है। उसमें भी आप शाहिदा या शहादों के कालम में और हदीस की लुगत के इमाम इमामुल मुहद्दिसीन इमाम मोहम्मद ताहिर अल फतनी जो 981 हिजरी में विसाल फरमा रहे हैं, 5 जिल्दों में हमारे पास आपकी किताब मजमा बिहारिल अनवार मौजूद है, उसकी भी 2री जिल्द में शाहिद यशादों के कालम में आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। हर फाजिल की लाइब्रेरी में ये किताबें मौजूद होती हैं।
कि हमारे तमाम उलमा यही बात फरमाते हैं कि हदीस में आए लफ्ज शाहिद या शहादों से मुश्तक होकर या कुरान पाक में आए तो उन्होंने लिखा कि अशाहिदो व शहीदो मुश्तक मिन शहादत व शहूदे वहुवल हुदूर माल मुशाहदते इम्मा बिल बसरे औ बिल बसीरते, के शाहिद और शहीद उस हस्ती को कहा जाता है कि जो हस्ती अपनी जाते बाबरकात हकीकी मुकद्दस के साथ तो एक वक्त में एक ही मकाम पर जलवागर हो, लेकिन एक वक्त में एक मकाम पर मौजूद होकर उस हस्ती का जितना जिम्मेदारी का इलाका है वो जब चाहे बिल बसर अपने सर की आंखों से निगाह डाल सके बिल बसीरत, और जब चाहे दिल की आंखों के साथ मुशाहदा फरमा सके। तो युकालो लहु शाहिद व शहीद, उस हस्ती को शाहिद और शहीद कहा जाता है जी। तो शाहिद व शहीद व मुश्तक मिन शहादत व शहूद, उन्होंने फरमाया कि शाहिद और शहीद का लफ्ज शहादत या शहूद में से बना है। अब शहादत और शहूद की हकीकत क्या है, डेफिनेशन क्या है, उन्होंने बताया कि शाहिद शहीद शहादत और शहूद हुवल हुदूर माल मुशाहदा इम्मा बिल बसर औ बिल बसीरत। तो जब हमारे करीम आका को अल्लाह पाक ने शाहिद भी करार दिया शहीद भी करार दिया तो माना यह है इन्ना अरसलना का शाहिदन, ए मेरे प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम हमने आपको ये शान और अजमत अता फरमाई है कि आप अपने जिस्म हकीकी बशरी मुकद्दस के साथ और जाते बाबरकात हकीकिया मुकद्दस के साथ आप जिस आलम में भी जलवागर होंगे एक वक्त में एक मकाम पर जलवागर होंगे, लेकिन मेरे हबीब एक मकाम पर जलवागर होकर जितना आपका जिम्मेदारी का इलाका है आप जब चाहेंगे दिल मुबारक की आंखों से भी देख सकेंगे, जब चाहेंगे सरे अनवर की आंखों से भी देख सकेंगे। अब महबूब अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी कहां तक है, तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक की जानिब से रसूल और नबी अलैहिस्सलाम बनकर खातमुन नबीजीन बनकर तशरीफ आवरी क्या सिर्फ मक्का मुकर्रमा तक के लिए है, महबूब की जलवागरी को सिर्फ मदीना तैयबा तक के लिए है, कोई आपकी आमद और जलवागरी सिर्फ जजीरा नुमाए अरब के लिए है, या सिर्फ एक बर्रे आजम एशिया के लिए है, या सिर्फ सातों बर्रे आजम और रूए जमीन के लिए है। उठाइए कुरान पाक सूरह फुरकान पहली आयत में अल्लाह पाक का इरशाद ग्रामी है, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। फरमाए इंतहाई बाबरकत ज़ाते बाबरकात अल्लाह पाक की ज़ाते बाबरकात जिसने अपने अब्दे महबूब अलैहिस्सलाम पर फुरकान मुकद्दस नाजिल फरमाया, क्यों नाजिल फरमाया, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम आलमीन तक अल्लाह पाक का डर पहुंचाने वाले हों। कुरान पाक 17वें पारे सूरह अंबिया की वो आयत नंबर 107 जो हम मुसलमानों के हर बाशऊर बच्चे हर बाशऊर बेटी को भी याद हुआ करती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल आलमीन। तो यहां सिर्फ इतना तो नहीं है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन ले आलमीन, रहमतन ले आलमीन का लफ्ज है या रहमतन लिल आलमीन का लफ्ज है, लिल आलमीन है, आलमीन पर अलिफ लाम मौजूद है, ले यकूना लिल आलमीन नजीरा है, ले यकूना ले आलमीन नजीरा नहीं है, वहां भी आलमीन पर अलिफ लाम मौजूद है। नह मीर पढ़ने वाला तालबुल इल्म भी, ये आज हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत है, या माशाल्लाह असरी जो उलूम है हाँ जी वो भी पढ़ाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्स और इजा साबत शयू साबत अब जमीय लवाजे में ही, जब हमारा बच्ची हमारे ऐसे बाफैज दीनी मदरसों के अंदर कुरान पाक हिफ्स मुकम्मल करते हैं तो वो सिर्फ हाफिज कुरान नहीं होते, उनको इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी असाज़े किराम अल्लाह ताला उस्ताज़ुल हुफ्फाज़ वल कुर्रा हजरत मौलाना अल कारी अल मुकरई मोहम्मद नासिर साहिब किबला दुआ फरमाओ सेहत सलामती कुव्वत आफियत के साथ अल्लाह पाक इनके साए में बरकत रखे। ये उस आलिम की और खादिम कुरान की सआदत होती है जो अल्लाह के कामिल बंदों के कदमों में हो, आले रसूल अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में हो, तो ये बड़ी सआदत है। तो हम दीनी इदारे के भी साथ साथ इस जलसा या दस्तार फजीलत और उर्स मुबारक की महफिल में हाजिर है, तो याद रखिए कि जो नह मीर पढ़ने वाला तालिबुल इल्म भी है उस पर भी वाजे होता है कि जब वो जमा के औजान और जमा की माना के एतबार से किस में पढ़ता है तो उस पर पता होता है कि जमा सालिम के ऊपर जब अलफ लाम आए तो वो जमा किल्लत के औजान में नहीं जमा कसरत के औजान में होता है। माना यह है कि ले यकून लिल आलमीन नजीरा,
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब, मैंने कोई ऐसा आलम पैदा ही नहीं फरमाया जहां अपनी हर हर रहमत पहुंचाने वाला आपको ना बनाकर भेजा हो। तमाम के तमाम आलमीन तक नबी अलैहिस्सलाम का फैज जारी है। इसलिए सही मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द किताबुल मसाजिद सफा 199 पर हुजूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस सही है कि हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उर्सिल्तु इलल खल्क काफ़तन, जितनी अल्लाह की खल्क और मखलूक है अल्लाह पाक ने मुझे सारी खल्क के ऊपर अपना रसूल बनाकर भेजा है। उर्सिल्तु इलल खल्क काफ़तन। हमारे फाजिल अहबाब जानते हैं कि खला का यखलुकु खल्कन, यहां अल खल्क, खल्क जो है वो मस्दर है। मस्दर के ऊपर जब अलिफ लाम होता है तो वो या जिन्स का होता है या इस्तिग़राक का हुआ करता है। माल और नतीजा दोनों का एक होता है। अगर महबूब अलैहिस्सलाम इतना ही फरमा देते उर्सिल तो इलल खल्के, माना फिर भी यही था कि तमाम की तमाम मखलूकात पर अल्लाह पाक ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, मेरी रिसालत सारी मखलूकात पर जारी है। लेकिन आगे नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद भी इरशाद फरमा दी, उर्सिल तो इलल खल्के काफतन। अरबी में कफा या कुफो कफन ये मुजाफ सुलासी नासरा यंसरों से है। इसमें फाइल मुन्नस का सीगा है। अलकाफा तो अरबी इंटू अरबी अयल मानिया तो, क्योंकि अरबी जुबान में कफा या कुफो कफन का माना होता है ए मना यमनाओ मन अन। अरबी इंटू अरबी इस हदीस का माना यह है, उर्सिल तो इलल खल्के काफतन, ए रिसालती मानिया तुमने जमील खल्के फीहा। मतलब यह कि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, फरमाया हमारे अलावा जितने भी अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम हैं उन सब के मुकाबले में अल्लाह पाक ने मुझे वो रिसालत अता फरमाई है कि मेरी रिसालत ने तमाम मखलूकात को अपने दायरे के अंदर बंद किया हुआ है। जहां तक मेरी रिसालत है वहां तक मखलूक है, जहां मेरी रिसालत ना हो वहां मखलूक मौजूद ही नहीं हो सकती है। और इस्लामी तालीमात में रिसालत किस चीज को कहते हैं, खुद रिसालत की डेफिनेशन और तारीफ क्या है इन द इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। रिसालत और नबूवत की तारीफ यह है, अर रिसालत वन नबूवत ही अर राबता तो बैन अल मुरसले वल मुरसल इलैहिम। अल मुरसल भेजने वाली जात अल्लाह पाक की जात बबरकात है, मुरसल इलैहिम मखलूकात है जिनकी तरफ नबी और रसूल सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे जाते रहे हैं। महबूब खातमुन नबीयीन ने, अब कोई नया नबी और रसूल सलाम आ ही नहीं सकता। तो नबूवत और रिसालत क्या है, अर रिसालत हो ही अर राबिता तो बैनल मुरसले वल मुरसले इलैहिम। बातनी राबता है फैज का नाम रिसालत है। और महबूब फरमाते हैं उर्सिल तो इलल खल्के काफा, मेरी रिसालत ने तमाम मखलूकात को अपने दायरे और घेरे के अंदर बंद किया हुआ है। जहां तक मेरी रिसालत है वहां तक मखलूक है, और जहां मेरी रिसालत नहीं वहां मखलूक मौजूद ही नहीं हो सकती। और रिसालत बातनी राबता है फैज का नाम है। मतलब यह है कि महबूब ने फरमाया जहां तक हमारा फैज है वहां मखलूक है, जहां हमारा फैज रहा मखलूक मौजूद ही नहीं हो सकती। आज हम यहां गुजरात में बैठे हैं तो यह सारा फैज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अब मैं इसी तरफ अगर चला जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली, पीर से आल, पीर से आल, पीर से आल, पीर से आल। तो ये कुछ अरसे से इस तरह के मामला 150 साल पहले से ये बड़ी फिरका वारियत और ये चीजें बदकिस्मती से हो गई, वरना आप आज से अगर 50 साल पहले तक की किताबें के फिरके भी बन रहे थे, लेकिन ये इतने मुसल्लमा हकायक हैं कि आप बड़े बड़े अकाबिर वहाबी उलमा हों, बर्रे सगीर में उलमाए देवबंद हों। अब अशरफ अली थानवी जो 1942 में फौत हुए, उनकी किताब हिफ्सुल ईमान ही जिस पर हमारे अकाबिर उलमा का फतवा है, अगर उसकी इब्तदाई बातें ही आप पढ़ें तो आप पर वाज़े हो जाएगा कि थानवी साहब भी ये लिख रहे हैं कि बायसे ईजादे आलम भी जाते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है, और बायसे बकाए आलम भी जाते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है। क्योंकि महबूब का फैज जिस चीज से पलक झपकने की देर भी हट जाए वो चीज मौजूद नहीं रह सकती है। आलम मौजूद है खाले के करीम और मखलूकात के दरमियान, वास्ता है फैज जाते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है। इसलिए है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह के। साहिब कसीदा बुरदा शरीफ इमाम शरफुद्दीन मुहियुद्दीन बोसीरी ये 696 हिजरी में मिस्र में विसाल फरमा रहे, अब 1444 सन हिजरी है।
696 में आप चार जमा करेंगे 700 सने हिजरी बन जाएगा और अब 1444 744 ये और चार आपने 96 में जमा किए 748 साल पहले इमाम बोसीरा का विसाल है। 748 साल पहले के उलमा क्या लिखते हैं वो वाज़े फरमाते हैं कुल्लो आयन अतर रसूलुल किराम बेहा फइन्ना मत्तसलत मिन नूरही बेहिमी तमाम रसूलाने जाम अल्लाह पाक की जानिब से जितनी आयात लेकर आए इन्ना मत्तसलत मिन नूरही बेहिमी वो सब मुस्तफा अलैहिस्सलाम के नूर का फैज है जो उन तक पहुंचा है। इसलिए फरमाया आगे कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्ता में सुन गर्फम मिन अल-बहरी औ रश्मम मिन अद-दियामी फरमाया कुल के कुल रसूलाने इज़ाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम हमारे आके करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिमास गुनाह है और आपकी बारगाह में फरियाद करते हैं गर्फम मिन अल-बहर हुजूर अपने फैज के समंदरों में से कोई एक घूंट और अपनी घनघोर फैज की बारिश बरसाते हुए बादलों में से कोई एक चुल्लू हमें भी अता फरमा दीजिए। क्यों महबूब की रिसालत तो सब अंबिया इकराम पर भी है। कुरान पाक तीसरे पारे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में है इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतनसुरुन्ना आलम अरवाह में अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया और रसूल जो महबूब अलैहिस्सलाम के अलावा हैं उनसे पक्का अहद लिया था कि जैसे ही मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाकर दावत दीन का मरहला शुरू फरमाएं लतुमिनुन्ना बिही आप सब ने जरूर जुबिल जरूर मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना होगा और जैसे एक उम्मती नुसरत करता है इस तरह मेरे हबीब की नुसरत और खिदमत करनी होगी। तो सब अंबिया के नबी और रसूल भी कुरान फरमाता है हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। तो अलगरज हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम चूंकि शाहिद और शहीद हैं तमाम के तमाम आलमीन पर तो हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान का मतलब है मन कुन तो मौला हो फअलीजुन मौला हो फरमाए जैसे ही मेरा कोई उम्मती मुझे अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के साथ तवल्ला और मोहब्बत का ऐलान करता है कि मुझे आका से बड़ी मोहब्बत है मैं उसके दिल के ऊपर निगाह डालता हूँ क्योंकि महबूब की रिसालत सारे आलमीन पर है और आपकी जिम्मेदारी में सारे आलमीन है आप सारे आलमीन में अल्लाह पाक के नायब अकबर और खलीफा आजम है लिहाजा आप जब चाहते हैं आलमीन में दिले अकदस की निगाहों के साथ जब चाहते हैं सरे अनवर की मुकद्दस जिस्मानी आंखों के साथ महबूब मुशादा फरमाते हैं तो जैसे ही कोई ये अर्ज करता है कि हुजूर मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है महबूब उसके दिल के ऊपर निगाह अकदस डालते हैं। अगर उस दिल में हुजूर मौला कायनात की मोहब्बत हो तो महबूब अपने साथ मोहब्बत का दावा कबूल फरमाते हैं वरना जिसके महबूब मौला और महबूब है उसको हुजूर मौला कायनात को भी महबूब बनाना होगा। मेरे दोस्तों ये गदीर खुम के मौका पर यह वाकया भी पेश आया और उसी गदीर खुम के मौका पर मैंने जो गुफ्तगू शुरू की थी कि मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्सवा 225 किताबुल फजाइल में सैयदना जैद इब्ने अरकम प्यारे सहाबी रदी अल्लाह तनो आप रिवायत फरमा रहे हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर यह बात भी इरशाद फरमाई कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन ऐ मेरे तमाम के तमाम क्यामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों बेशक मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह का प्यारा रसूल अलैहिस्सलाम दो बड़ी ही गिरां कदर और अजमत वाली चीजें छोड़कर रब्बे करीम की बारगाह में अनकरीब जलवागर होने वाला हूँ। लन तदिल्लु बादी मा तमस्सक तुम बेहमा जब तक उन दो सकलैन सकलैन सिकल से तस्निया है दो बड़ी अजमत वाली भारी गिरां कदर चीजें बड़ी अजमत वाली है जब तक उन दोनों के साथ मजबूती के साथ लग के रहोगे लम तदिल्लु जितनी फितनों और फसाद की हवाएं चलेंगी जितने फितने उठेंगे अगर उन सकलैन करीमैन को मजबूती से थामा हुआ है तो फिर मैं कभी भी हरगिज गुमराह नहीं हो सकोगे। आहदोमा अकबर मिनल आखिरे जो पहली सिकल है वो दूसरे सिकल के मुकाबले में ज्यादा बड़ी है हबलुम ममदूदुन इलस समाए फरमाया तुमने बुलंदी पर चढ़ना हो तो तुम्हें रस्सी और सहारे की स्टैंड की सीढ़ी की जरूरत होती है फरमाया जो पहला सिकल है वो अल्लाह की जानिब से अपने बंदों में लटकाई गई रस्सी है कि उसको मजबूती से पकड़ लोगे हर लम्हा उसके जरिए तुम बुलंदी बुलंदी अजमत ही अजमत और अल्लाह का कुर्ब ही कुर्ब पाते चले जाओगे। फरमाया हुवा किताबुल्लाह वो अल्लाह की प्यारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये आप देख रहे हैं हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला पीर सैयद शकील अहमद शाह साहिब गरीब नवाज को ये कुरान पाक ये असली सादात की अलामत और निशानी है कि ये सकलैन आपस में जुदा नहीं होते कुरान इनके पास होता है ये कुरान के साथ होते हैं।
फरमाया कि पहला जो सिकल है वो है हुवा किताबुल्लाह, वो अल्लाह पाक की प्यारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। सानी हिमा इतरती अहलो बैती, और दूसरा सकलैन में से सिकल वो फरमाया वो मेरी इतरत ताहिरा मेरे अहले बैत अतहार है रिदवानुल्लाह ताला अलैहि बैन। जब तक इन दोनों के साथ मजबूती के साथ लग कर रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे, हक के रास्ते पर जारी और सारी रहोगे। आगे फरमाया वलई यफ्तारे का, जब लन्नासिबा फेल मुदारे पर आता है तो दो तरह का अमल करता है, लफ्जी भी और मानवी भी। मानवी अमल यही होता है कि मुस्तकबिल में वकूए फेल की नफी करता है शिद्दत और ताकीद के साथ, लई यफ्तारे का हरगिज हरगिज सकलैन करीमैन कुरान पाक और मेरी इतरत ताहिरा आपस में कभी भी जुदा नहीं होंगे, लम यफ्तारे का। और एक किरात के अंदर है लई यतफर्रा का, इनमें तफर्रुक और जुदाई तो होगी ही नहीं। हाँ जी तो भाई ये बात पूरी सेहत के साथ साबित है। आप इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अब्दुस समद अबुल जुमन इब्ने असाकिर जो 656 में विसाल फरमा रहे उनकी 120 जिल्दों के अंदर मौजूद है तारीख दिमश्क। आप उसमें जिल्द नंबर 47 के अंदर सफा 130 के ऊपर और सफा 142 के ऊपर दो अलग अलग सनदों के साथ ये मौजूद है, और दोनों की सनद बिल्कुल सही है कि हुजूर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का जब सर मुबारक दिमश्क में दाखिल हुआ नेजे के ऊपर है। हाँ जी एक बाला खाना दो मंजिला मकान था और एक कारी कुरान इन्ना असहाबल काफे बर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, ये कुरान की तिलावत जब इमाम अली मकाम के सर मुबारक ने तो शोहदा तो जिंदा होते हैं और रूह का तो तल्लुक ही आलम बका के साथ होता है और उसके जिस्म का जो जो जर्रा और जुज्व जहां जाओ रूह का ताल्लुक तो मजबूती के उसके साथ कायम होता है और वो उस जिस्म के जरिए सुन रही होती है अपने तसरुफात जाहिर करती है। तो जैसे ही कारी कुरान की जुबान से ये सुना कि बेशक असहाबे कहफ और असहाबे रकीम हमारी अजीब आयात में से थे तो इमाम अली मकाम के सरे अनवर से उस वक्त भी आवाज आई इन्ना कतली व हमली आजबो मिन हाउलाए, फरमाया वो भी अल्लाह की बड़ी आयात है लेकिन मुझे नवासे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इस तरह शहीद किया जाना और मेरे सर का नेजों पर इस तरह उछाला जाना ये उनसे भी ज्यादा अजीब है। और मेरे दोस्तों फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक इरशादे गिरामी जो है बे अये मुनकलेबी यन कालेबून कैसे है मुबारक अल्फाज सयाला मुल्लाजीना जलम, हाँ जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु ताला के अनकरीब जालिम जान जाएंगे कि उनको किस जगह के ऊपर मुनकलब किया जाता है और उनको ठिकाना जहन्नम में दिया जाता है। तो याद रखिए हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने गिरामी है कि लई अफ्तारे का ये सकलैन करीमैन कुरान मजीद फुरकान हमीद और मेरी इतरत ताहिरा अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अजमईन ये आपस में कभी भी जुदा नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। हत्ता यारेदा अलैयल हौदा, यहां तक कि क्यामत वाले दिन हौदे कौसर के किनारे पर दोनों इकट्ठे आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा भाई मुझे ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला पीर सैयद मोहम्मद मसऊद अहमद शाह साहिब गरीब नवाज अलैहि रहमत के हम उर्स मुकद्दस में है तो अल्हम्दुलिल्लाह असल सादात हसनी हुसैनी इस वक्त रूए जमीन पर मौजूद है या नहीं है, अरब अजम के अंदर मौजूद है ना जी, बिल्कुल साबित नसब सही नसब सादात इकराम हसनी हुसैनी मौजूद है। तो महबूब का तो फरमान है लई अफ्तारे का, तो जब असल सादात मौजूद है तो फिर कुरान ने तो इनके साथ और उन्होंने कुरान के साथ असल सादात का वजूद मानते हो तो असल कुरान का वजूद क्यों नहीं मानते हो। वही हजरात जो अहले बैत अतहार की बहुत ज्यादा मोहब्बतों के दावे करते हैं वो इस कुरान को क्यों नहीं मानते, इस कुरान के बारे में अपनी किताबों में 2000 रिवायतें क्यों लिखते हैं, हाँ जी कि ये कुरान वो नहीं है, वो तो जी 17000 आयात पर मुश्तमिल था। उसूल काफी में एक हदीस पेश की कि 17000 आयतें थी और अब वाले में तो 6600 और कुछ है 11000 के करीब आयतें बयानात, वो तो जी इधर उधर हो गई हैं। महबूब ने फरमाया लई अफ्तारे का, जब सादात मौजूद है तो मानना पड़ेगा अल्लाह की किताब कुरान भी साथ उसी तरह मिनवान मौजूद और जलवागर है, और हकीकी सादात वही है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम
कि अहले बैत अतहार के साथ चूंकि लगने का ही हमें हुक्म है, और अहले बैत अतहार जिनको अल्लाह पाक ने ततहीर का मकाम अता फरमाया हुआ है। आप देखिए कि जब हमारे प्यारे आके करीम अलैहि तहियात व तस्लीम के विसाले अकदस का जो है वो सानिया रूनुमा होता है, मैं कुर्बान जाऊं यकम या दो रबीउल अव्वल शरीफ पीर की दोपहर सन 11 हिजरी में जून के महीने 632 ईस्वी में मदीना तय्यबा में हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का विसाले अकदस, तो आप देखेंगे कि नहजुल बलागा अब भी मेरे पास मौजूद है, उसमें खुतबा नंबर 6 आप निकालेंगे सफा 19 पर, दीगर किताबु शाफी फिल इमामत आप देखेंगे, बहुत बड़े उलमाए अहले तशय्यो में जिनको अलमुल हुदा कहा जाता है, अल्लामा सैयद मुर्तदा अलमुल हुदा जो 430 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने भी पूरी सेहत के साथ इस बात को लिखा, यौम तुफिया फीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस दिन हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का विसाले अकदस हुआ हुजूर मौला कायनात करम अल्लाह तआला वजल करीम के दरवाजे आली पर महबूब अलैहिस्सलाम और हुजूर मौला कायनात के प्यारे चचा सैयदना अब्बास और हजरत अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया रजी अल्लाह तआला ये चल के हुजूर मौला कायनात के दरवाजे पर आ गए और अर्ज की, हुजूर हमारे प्यारे भतीजे प्यारे अली बिन अबी तालिब, मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अपने भाई आपके वालिद अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब का भाई हूं, और ये आपके चचा की तरह कबीले बनू उमैया के सरदार अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया, और प्यारे अली पाक आपसे ज्यादा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नस्बी करीबी रिश्तेदार और कोई नहीं है रूए जमीन पर इस वक्त, वक्त हाथ से ना निकल जाए। आपको पता है कि जिधर मैं आपका चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हाशमी जाऊंगा तमाम मुहाजरीन भी उधर जाएंगे, तमाम अंसार भी उधर जाएंगे, इसलिए कि हजरत अब्बास महबूब के चचा जान से मुहाजरीन और अंसार महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे से सहाबा इकराम इतनी शदीद मोहब्बत फरमाते थे कि आप बुखारी शरीफ की पहली जिल्द 137 किताबुल इस्तिस्का में सैयदना अनस इब्ने मालिक अंसारी रजी अल्लाह तआला से मरवी सैयद सनद हदीस मुलाहजा फरमाएंगे बुखारी शरीफ पहली जिल्द 137 पर कि कानन नास इजा कुहितु अला अहदे उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में कहत आ गया, बारिश नहीं बरस रही, नमाज इस्तिस्का सदका खैरात सारे मामलात हो गए, और जब इम्तिहान दराज हो गया हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला चल के हजरत सैयदना अब्बास महबूब के चचा जान के दरवाजे पर आए और अर्ज की, हुजूर अंता अम्मो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाजिही उम्मतु रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वसलाम, हुजूर आप महबूब अलैहिस्सलाम के चचा जान है, ये महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत है जो हलाकत का शिकार हो रही है, मुझे उमर का अकीदा है, आप तशरीफ ले आए, हम आपको अल्लाह की बारगाह में खड़ा करके आपका वसीला पेश करके जब बारिश की दुआ करेंगे रब्बे करीम जरूर करम फरमा देगा। चुनाचे हजरत उमर के अल्फाज हैं बुखारी शरीफ की इस हदीस सही के अंदर, सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला रिवायत फरमा रहे कि अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बे अम्मे नबीका अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब फस्कना, अल्लाह पाक आज हम तेरे प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम के चाचा जान हजरत अब्बास का वसीला पेश करके तू इसे बारिश तलब कर रहे हैं, फस्कना तू हमें बारिश अता फरमा, सैयदना अनस फरमाते हैं फसुकू, दुआ बाद में मुकम्मल हुई, अल्लाह ने बारिश पहले अता फरमा। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला तो फारूक आजम हस्ती हैं, उनको फारूक आजम का लकब तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात ने अता फरमाया, फारूक फाउल के वजन पर मुबालगे का सीगा है, सबसे ज्यादा हक और बातिल में फर्क करने की सलाहियत रखने वाली हस्ती, तो वो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला वो अकीदा रखते हैं कि जब कोई इम्तिहान हम मुसलमानों पर दराज हो जाए और मजीद उस इब्तला और इम्तिहान को बर्दाश्त करने की हमें ताकत न रहे, तो फिर महबूब की निस्बतों का अल्लाह के प्यारों का वसीला पेश करके दुआ करो, रब्बे करीम करम फरमा देता है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की तो शहादत मुकद्दस यकम मुहर्रम शरीफ सन 24 हिजरी में, अब यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी तक, और ये वाकया जो वसीला के साथ दुआ ये हुआ है, हाँ जी आमुर रिमादा में जो 17 हिजरी से जारी हुआ था और 18 हिजरी में जाकर मुकम्मल हुआ, 18 हिजरी में मदीना तय्यबा के अंदर कितनी अकाबिर मुहाजिरिन अंसार अहले इल्म व दानिश अकाबिर हस्तियां मौजूद हैं, हजरत उस्मान पाक मौजूद है, हुजूर मौले कायनात मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशतु सिद्दीका रदी अल्लाह तन्ना जैसी आलिमा फाजिला हस्ती जलवागर हैं, हजरत तलहा और जुबैर जलवागर हैं, सन 18 हिजरी में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास, हाँ जी हजरत मुआज़ इब्ने जबल, हजरत ज़ैद इब्ने साबित,
अंसारी रदी अल्लाह, ये सब मुज्तहिदीन उलमा सहाबाए किराम है। क्या किसी हस्ती ने हजरत उमर से इख्तलाफ फरमाया कि हुजूर वसीला की दुआ पेश करना जायज नहीं, ये तो बंदे को शिर्क की तरफ लेकर जाती है? नहीं, सब दुआ में शामिल हुए। पता चला कि इस बात पर दौरे खिलाफत राशिदा में इजमा हो चुका है और इत्तेफाक हो चुका है कि अल्लाह के प्यारों के नाम का वसीला पेश करो, मुश्किल में रब्बे करीम करम फरमा देता है। कुरान पाक के पांचवें पारे सूरह निसा की आयत नंबर 115 में अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, मैं युशाकिकुर रसूला मिन बाद मा तबयन लहुल हुदा व यत्तबे गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं युशाकिकुर रसूला, जो शख्स हिदायत का रास्ता वाजे हो जाने के बावजूद भी मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की मुखालफत करे, वह यत्ता बे गैरा सबील मोमिनीन, और मोमिनीन जिस रास्ते पर मुत्तफिक हो जाए, मुसलमानों के इजमाई और मुत्तफिका रास्ते को छोड़कर जो चलेगा, नुवल्ले ही मातवल्ला, वो जिधर मुंह उठाकर जाता है हम दुनिया की जिंदगी में उसको जाने देते हैं, अपनी तरफ उसको नहीं आने देते, क्योंकि अपनी बारगाह का कुर्ब उसी को देते हैं जो महबूब का मुखालिफ भी ना और मोमिनों के मुत्तफिका रास्ते को छोड़ने वाला भी ना। और ये तो वो है जिसने मुसलमानों का मुत्तफिका जमाई रास्ता छोड़ दिया, लिहाजा जिधर मुंह उठाकर जाता है हम जाने देते हैं, फौरन गिरफ्त भी नहीं करते, अपनी बारगाह में भी नहीं आने देते। वह नुस्ले ही जहन्नम, और ऐसे शख्स को क्यामत के दिन बिल आखिर हम कलाबाजियां खिलाएंगे जहन्नम के अंदर, वसाअत मसीरा, और बहुत ही बुरा ठिकाना है जहन्नम। हाँ जी, तो फरमाया लोगो साअत मसीरा, बच जाओ जहन्नम से, क्योंकि जहन्नम के मसाइब आलाम तकालीफ बर्दाश्त करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, बच जाओ जहन्नम से। और जहन्नम से बचना है तो फिर कभी भी मेरे महबूब की मुखालफत भी ना करना और मुसलमानों के मुत्तफिका रास्ते को भी ना छोड़ना। इसलिए जमाए उम्मत भी हुज्जत है शरई तौर पर। तो मेरे दोस्तों, सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला के दौर में तो सबका, कईयों का कौली, कईयों का सकूती इजमा मुनकद हो चुका है कि जब कोई भी इब्तला आजमाइश दराज हो जाए, हम बर्दाश्त करने की मजीद ताकत न रखते हों, हाँ जी, और दुआ इस्तिगफार सदका खैरात सब तरीके जो शरीयत के हैं इख्तियार कर चुके हों, लेकिन नतीजा ना आ रहा हो, तो फिर महबूब की निस्बतों की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह के प्यारों की तरफ तवज्जो करें और उनका वसीला पेश करके दुआ करें, रब्बे करीम करम नवाजी फरमा देता है। तो मुझे बताइए, हजरत अब्बास के मुतल्लिक क्या असमा और रिजाल की किताबों में सही असनाद के साथ मौजूद नहीं? हजरत सिद्दीक अकबर इतना महबूब के चचा जान का इकराम और एजाज फरमाते थे कि हजरत अब्बास को कोई काम होता, चूंकि मदीना तैयबा दो हिस्सों में था, आलियातिन साफिलातिन, बुलंदी की तरफ भी और नीचाई ढलवान की तरफ भी आधा शहर था, हजरत अब्बास को महबूब अलैहिस्सलाम ने हवेली नीचाई की तरफ अता फरमाई थी। वो आते तो खुद चलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला की पाकीजा बारगाह में फौरन उनके हुक्म पर अमल कर दिया जाता, काम जारी हो जाते। जब वो जाने लगते, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन कुर्बान जाए रदी अल्लाह महसूस करते कि महबूब के चचा जान अभी नमाज में टाइम है और आप वापस घर में अभी कदम रंजा फरमाना चाहते हैं, तो आप इशारा फरमा देते अपने खादिम की तरफ, वो फौरन आपकी ऊंटनी लाता, मस्जिद शरीफ के दरवाजे पर बिठा देता, अमीरुल मोमिनीन महबूब के चचा को लेते, खुद उनके पांव मुकद्दस में रकाब डालते, उनको बिठाते, उनके घर तक चचा जान महबूब के ऊंटनी पर सवार होते, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक उसकी मुहार पकड़कर नीचे नीचे चल रहे होते, इकरामन ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, महबूब की निस्बतों का एहतराम। तो हजरत अब्बास का बहुत वकार है हजरात सहाबा इकराम की मुबारक निगाहों में, क्योंकि महबूब की हदीस सही है, अम्मुर रजुले सिनवो अभी है, किसी भी शख्स का चचा उसके वालिद की मिसल हुआ करता है। महबूब के अब्बा जान को प्रोटोकॉल और एजाज देना चाहिए, वो महबूब की उम्मत महबूब के प्यारे चचाओं को पेश करती है। हाँ जी, तो बहरहाल हजरत अब्बास ने फरमाया मेरे प्यारे अली पाक, जिधर मैं अब्बास जाऊंगा सारे बनी हाशिम भी उधर जाएंगे, सब मुहाजरीन भी उधर होंगे, सब अंसार भी उधर, और जिधर ये आपके चचा की तरह अबू सुफियान है, जिधर ये जाएंगे जजीरा नुमाया अरब के तमाम बड़े कबाइल के सरदार उधर ही जाएंगे। और अगर आप अमली तौर पर हमारी बात को देखना चाहें तो आप हमें इशारा करें, हम अभी अपने कासिद जजीरा नुमाया अरब में दौड़ाते हैं, कल मंगल का सूरज बाद में गुरूब होगा, मदीना तैयबा के अंदर की बाहर की वादियां हम आपके हिमायतियों से भर देंगे, आप ऊंची जगह खड़े होकर देखेंगे, आपके
पैरोकार और हमायतियों के सारी सर आपको नजर आएंगे। लिहाजा वक्त ना निकल जाए मुद्दा यदा का, आप मेहरबानी करें हमारी तरफ से, आप हमारे पहले खलीफा हैं महबूब अलैहिस्सलाम के, आप हाथ मुबारक आगे कीजिए ले नुबाजिया का बिल खिलाफत, ताकि हम आपकी खिलाफत की बयत कर लें। अब खिलाफत खुद चल कर महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल एक दस वाले दिन हुजूर मौले कायनात के दरवाजे आली पर और आपकी बरगाह में आ गई है। तो अगर गदीर खुम के मौका पर कोई आयत उतरी हुई होती, अल्लाह का हुक्म होता कि मेरे प्यारे अली पाक को महबूब का जानशीन मुकरर करना है, अमीरुल मुस्लिमीन और मोमिनीन मुकरर करना है, खलीफतुर रसूल अलैहिस्सलाम मुकरर करना है, अल्लाह का हुक्म होता या महबूब अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी बयत ली होती या हुक्म जारी किया होता, तो हुजूर मौला कायनात तो खुश होते और फरमाते आप दोनों मेरे बुजुर्गों ने मेहरबानी फरमाई, हक को पहचाना और हक को उठाकर हकदार के पास आ गए। लीजिए बिस्मिल्लाह, मैं मनसूस मिनल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे मुकरर किया है, महबूब ने मुझे मुकरर फरमाया, लिहाजा अपना फरीजा पूरा कीजिए, ये लीजिए मेरा दायां हाथ और बयत कीजिए इस पर। लेकिन नहीं, आप नहजुल बलागा किताबु शाफी फिल इमामत जितनी भी अल्लामा मावर्दी जो 430 हिजरी में फौत हो रहे हैं, हाँ जी अहकाम सुल्तानिया उनकी किताब है, वो मोतजली हैं, उनकी किताब में ये हदीस मौजूद है, हुजूर मौले कायनात ने फौरी तौर पर इनकार फरमा दिया और इरशाद फरमाया अय्युहन्नास शुक्कु अमवाजल फितन बिसुफन निजात, ए लोगो फितनों की मौजों को निजात की कश्तियों के जरिए से पार करो। फरमाया मैं बयत नहीं लूंगा। अब आजकल तो उम्मत के अंदर इसी तरह की बातें करके अजीब व गरीब एक इफ्तराक इंतशार की फजा हमवार की जाती है, और किताबें ये बताती हैं कि जनाब खिलाफत तो चल के हुजूर मौले कायनात करम अल्लाह तआला वजल करीम के दरवाजे पर आ गई और आपने इरशाद फरमाया कि जो मुझे पहले खिलाफत की बात करे मैं अली पाक उसकी बात को भी रद्द करता हूं और ये कहता हूं कि तुम महबूब की उम्मत में फितना पैदा कर रहे हो। फरमाया वह अर्रे जू अन तरीकल मुनाफरत है, और ये मुसलमानों में नफरत के बीज बोने वाले रास्ते से जरा एक तरफ हो जाओ। ये चचा जान को फरमा रहे हैं आप, चचा जान जैसी बुजुर्ग हस्ती हजरत अबू सुफियान को फरमा रहे हैं। और फरमाया दाऊती जान अल मुफाखरत, ये जो मुफाखरत के ताज आपने सरों पर रखे हुए हैं कि जिधर आप जाएंगे सारा जजीरा, मैं अली पाक किल्लत कसरत को नहीं देखता और बंदों को नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि अल्लाह और उसके महबूब की रदा किस चीज के अंदर है और शरीयत के उसूल और जाब्ते क्या है, और उसी में आपके ये मुबारक अल्फाज मौजूद हैं कज़ारे फी अर्द गैरे ही, कि लोगों की चीजों पर नाजायज कब्जा करने वाला क्या तुमने मुझे अली को ही जाना है दुनिया में। फिर मैं आज अगर मैं इस वक्त बयत तुम्हारी कबूल कर लूं और अपने अमीरुल मोमिनीन होने का ऐलान करूं तो कज़ारे फी अर्दे गैरी मुझे अली पाक की मिसाल ऐसी होगी कि जमीन किसी और की हो और मैं उस पर नाजायज कब्जा करके अपने हल चलाकर बीज काश्त कर दूं, मुझे अली जैसे बंदे से ऐसा नहीं हो सकता है। रद्द कर दिया। हमें महबूब ने अहले बैत अतहार के साथ लगे रहने का हुक्म दिया है। चुनाचे हुजूर मौले कायनात का इखलास अहले बैत अतहार के हर फर्द का जो ततहीर का आला मकाम है उसका तकाजा मुलाहजा फरमाइए। और दूसरे ही दिन मंगल वाले दिन जब हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला मस्जिद शरीफ में जलवा गर हुए, नमाज जोहर के बाद आप मिंबर शरीफ पर जलवा गर हुए, आपने फरमाया कल गुजश्ते ही सकीफे बनी सायदा में अचानक एक सूरत हाल अनसार मदीना के कुछ अजीजों की जानब से आ गई और मुहाजरीन के दो अफराद हजरत उमर रदियल्लाहु तआला हजरत अबू बैदा इब्न अल जराह ने मुझे आगे कर दिया और सब अनसार और मुहाजरीन के दो बुजुर्गों ने मेरी बैत कर ली, लेकिन वल्लाह मा तमन्नई तो लिहाजल अमरे कत, अल्लाह की कसम मैंने आज तक इस मामले की कभी तमन्ना की नहीं अल्लाह की बारगाह में। वो अचानक मामला पेश आ गया, फितना ना उठ खड़ा हो, मुसलमान तकसीम ना हो जाए, मैंने भी हाथ आगे कर दिया, लेकिन आज चुके अब सब जमा हो मुहाजिरीन अंसार, लिहाजा मैं अपनी बयत का कलादा तुम्हारे गले से अलग करता हूं, तुम्हें आजादी देता हूं, इकाला करता हूं बयत का, जिस पर मशवरे के बाद तुम मुत्तफिक होगे मैं अबू बकर भी उसी पर मुत्तफिक होगा। ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में 26वें पारे सूरह
मुबारक अलफत आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक का इरशाद ग्रामी है, यबतगूना फदलम मिनल्लाह व रिदवाना वल्लज़ीना माउ, जितनी हस्तियां महबूब के साथ हैं वो दुनिया के ओहदे इज्जत शोहरत लालच उन्हें कुछ नहीं है, यबतगूना फदलम मिनल्लाह व रिदवाना, वो सिर्फ अल्लाह का फदल और अल्लाह की रजा को ही तलाश करते हैं। चुनाचे जब ये बात हुई आप तबकात इब्ने साद और बड़ी बड़ी किताबों के अंदर देखेंगे, हुजूर अमीरुल मोमिनीन मौले कायनात खड़े हुए और आपने फरमाया हुजूर ज्यादा मशवरों और इन चीजों की जरूरत ही हमें नहीं है, इसलिए कि मैं भी मौजूद था, मेरे चचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे, हम सबकी मौजूदगी के बावजूद फरमाया पंजगाना नमाजों की इमामत महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सपुर्द फरमाई और इरशाद फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, फरमाया जिस दीन के अंदर नमाज ना हो वो दीन भी भला कोई दीन है? दीन का मकसद तो है बंदे का ताल्लुक अल्लाह पाक की बारगाह से मजबूती से कायम कर देना, ताल्लुक मजबूत तब होता है जब जा बार बार आया जाए, हाजिरी लगवाई जाए। तो जो नमाज पढ़ने ही नहीं आता, उसके दरवाजे की हाजिरी नहीं लगाता, उसका अल्लाह से कैसे मजबूत ताल्लुक हो सकता है? तो इसलिए दीन सच्चा वही है जिसमें पहली तालीमी अल्लाह की बारगाह में आना जाना और हाजिरी लगवाना मौजूद हो। तो हुजूर अमीरुल मोमिनीन करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस दीन में नमाज ना हो वो दीन भी भला कोई दीन है, और हमारे दीन की इमामत हजरत अबू बकर सिद्दीक के महबूब ने सपुर्द फरमा कर जाहिर कर दिया कि अन्नहु रदिया अला अबी बकरिन ले दीनना, कि महबूब रहसम हमारे दीन के मुतल्लिक हजरत अबू बकर सिद्दीक पर राजी हैं। फरमाया लकद रदीना ले दुनिया ना अला मर रदिया अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना, जिस हस्ती पर हमारे दीन के लिए महबूब राजी, हम हजरत अबू बकर की बयत करके अपनी दुनिया के लिए भी उसी हस्ती पर राजी हो रहे हैं। हुजूर अमीरुल मोमिनीन मौले कायनात करम अल्लाह तआला वजहुल करीम, मेरे दोस्तों इसके अलावा आपकी हयात तैयबा अमीरुल मोमिनीन हमारे पांचवें बरहक खलीफा राशिद सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला की ज़ात बबरकत हो, महबूब का फरमाने गिरामी है हाजा इन्ना इब्नी हाजा सैयदुन, ये बुखारी शरीफ में दो मकामात पर हदीस से सही है, किताबुल मनाकिब में भी है, किताबुल फितन में भी है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला ना भी रिवायत फरमा रही है, सैयदना अबू बकरा नुफे इब्ने हारिस अस्सकफी रदी अल्लाह तआला भी बयान फरमा रहे हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला की ज़ाते बबरकत को मिंबर शरीफ पर अपनी गोद में दाएं रान मुबारक पर जलवागर फरमाया, यंजुरु इलैहि मर्रतन व इलन्नास मर्रतन इलैहि मर्रतन व इलन्नास मर्रतन, कभी हजरत इमाम हसन की तरफ देखते हैं, कभी अपने गुलामों की तरफ, चंद बार इस तरह देखकर मामू ने फरमाया इन नबनी हाजा सैयदुन, बेशक ये मेरा प्यारा बेटा हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला ये मेरी उम्मत के सैयद हैं, लअल्लाह अन युसरिया बिही बैना फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीना, यकीनी तौर पर अल्लाह पाक मेरे इस प्यारे बेटे की बरकत से मुसलमानों के दो भारी गुरोहों में सुलह पैदा फरमा देगा। बेटा करार दिया इमाम हसन रदी अल्लाह तआला की ज़ाते बबरकत को, फिर फरमाया इन्ना इब्नी हाजा सैयदुन, बेशक ये मेरा प्यारा बेटा सैयद है। अरबी जुबान में सैयद का माना क्या होता है? अस्सैयदो अरबी इंटू अरबी, हर किताब में अस्सैयदो हुवल्लज़ी यलजाउ इलैहिन नास फिल मफाज़े, कि जब लोगों पर ऐसा मफजा ऐसी मुसीबत उनको आ घेरे कि जिसमें उनकी जानें भी महफूज ना हो, उनका माल भी महफूज ना हो, उनकी इज्जत और आबरू भी महफूज ना हो, जब मुसलमानों को जान का भी खतरा लाहिक हो जाए, यकीनी तौर पर माल के लूट जाने का खतरा भी, इज्जत और आबरू के चले जाने का खतरा, फिर वो अपनी ये तीनों चीजों बचाने के लिए गौर करें कि कौन सी ऐसी बड़ी हस्ती है कि जिसकी पनाह में अगर हम चले जाएं और वो हस्ती हमें पनाह दे दे तो वो हस्ती ऐसी है कि फिर वो अपना सारा कुछ कुर्बान कर देगी लेकिन हमारी जान माल इज्जत को महफूज कर लेगी। युकालो लहु सैयद, उस पनाह देने वाली हस्ती को अरबी में सैयद कहा जाता है। तो वाकया सुलो तो रबीउ सानी सन 41 हिजरी में पेश आया था, महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल 10 यकम या दो रबीउल अव्वल शरीफ सन 11 हिजरी में, 41 से 11 निकालो 30, जो सुलह सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा अमीरुल मोमिनीन और सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के दरमियान महबूब के विसाल के 30 साल बाद जो वाकया होना था, महबूब 30 साल पहले हयात तैयबा में उस वाकया को बयान फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं बेशक ये मेरा प्यारा बेटा सैयद है।
कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा जब उनकी ये चीजें महफूज नहीं रहेंगी। ये मेरा बेटा अपना सब कुछ कुर्बान करके, हम तो सगे भाई के लिए 5 मरले का प्लाट छोड़ने को आज तैयार नहीं है। हाँ जी, सगे भाई को देते हैं हम 5 मरले का प्लाट, वो अदालतों में दादा केस करते और पोते अभी तक लड़ रहे होते हैं, लेकिन नहीं छोड़ते 5 मरले सगे भाई के लिए भी। है ना ऐसा हमारा अदालती निजाम। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अल्लाह से वादा किया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर पीर सियाल की जाते बबरकत हर अहम मौके पर याद दिलाते हैं कि हमारे मसाइल का हल है तो गुलामी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम में, क्योंकि महबूब की गुलामी से ही सारी इज्जतें अता होती हैं। हमारी अदलिया में भी शरई तरीके आए, हमारी मुकन्नेना भी उन्हीं उसूलों पर चले जो शुराई उसूल हैं, जो इस्लाम ने वजा किए। हमारा मुआशी निजाम भी इस्लाम की बुनियादों पर आएगा, दुनिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, हम दर दर के मोहताज नहीं होंगे। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। अलगरज हुजूर सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा अमीरुल मोमिनीन, आपने 3 बर्रे आजमों के अक्सरियत इलाके की बरहक हुकूमत छोड़ दी, इसलिए कि मेरे नाना जान की उम्मत एक जगह पर मुत्तफिक और मुत्तहिद हो जाए, वो आले रसूल अलैहिस्सलाम। और उन्हीं आले रसूल अलैहिस्सलाम के साथ हमने हर मामले के अंदर, इसलिए जितने भी मसाइल हैं, जितने भी उमूर व मामलात हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ताला उम्मत के साथ हैं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम के खानदान मुकद्दस के अहले बैत अतहार की। 3 किस्में होती हैं, अहले बैत सुकूनत जो हजरत उम्महातुल मोमिनीन है, अहले बैत विलादत जो महबूब अलैहिस्सलाम की औलाद अमजाद है क़यामत तक हसनी हुसैनी सादात, और अहले बैत नसब जो महबूब के मोमिन चचाओं की बनी हाशिम में क़यामत तक औलादें, ये अहले बैत नसब हैं। और तमाम अहले बैत अतहार की गुलामी का अल्लाह और उसके महबूब ने हमें मौका और शर्फ अता फरमाया। हजरत सादात किराम की खिदमत में हाजिरी ये अजीम सआदत होती है। आखिरी बात अमीरुल मोमिनीन उमर रदी अल्लाह तआला के मुतल्लिक, इमाम अबू बकर अली बिन अहमद खतीब बगदादी जो 463 हिजरी में, और आपकी तारीख बगदाद पर 40 जिल्दों में किताब है, उसमें आप देखेंगे हद्दसनाहु यहया बिसनद सही, सनद सही के साथ हाफिज इब्न हजर तहजीबुत तहजाब की तहजीबुत तहजीब की दूसरी जिल्द सवा 370 पर फरमाते हैं सनद सही। और इमाम ज़हबी सियर व अलाम नुबला की चौथी जिल्द सवा 146 पर फरमाते हैं इसनाद सही कि हुजूर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की करीम जात इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाते हैं या बुनैया हल अंबता अला रऊसन शारा इल्लल्लाहु सुम्मा अंतुम, ऐ मेरे प्यारे बेटे हुसैन इब्ने अली, अल्लाह की कसम हम क्यामत तक आने वाले जितने भी महबूब के गुलाम हैं, हम पर जितनी करम नवाजियां अल्लाह पाक की हैं, सुम्मा अंतुम, लेकिन महबूब के प्यारे बच्चों तुम्हारी वजह से। इन्ना अहला बैती अमानुल उम्मती, सादात किराम के साथ निस्बत, सादात किराम की अकीदत, सादात किराम के साथ ताल्लुक, और फिर अलमरो मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन हर शख्स उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत है। हमारी खुशकिस्मती है कि आले रसूल अलैहिस्सलाम का दामन करम अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया। हुजूर पीर सियाल लजपाल सैयदना अमीर शरीयत गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज, आपकी विलादत 1936 में है, उस वक़्त हुजूर सैयदना शेखुल इस्लाम गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला की उम्र मुबारक 30 साल थी जब हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज की विलादत मुकद्दसा हुई। 4 साल 4 माह 4 दिन के मुकम्मल हुए चुके हुजूर सैयदना शेखुल इस्लाम गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अज़ीज़ हर मसले के अंदर मशाइख चिश्तिया की तालीमात को ही फौकियत अता फरमाया करते थे। तो आपकी तालीम का सिलसिला भी शुरू हुआ और बड़े अजीम उस्तादों से हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज ने अपने बचपन मुबारक में ही कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्स मुकम्मल फरमाया। और आप देख रहे हैं कि आपकी उम्र मुबारक जो है वो 84 साल से 86 साल उम्र मुबारक। मैंने खुद आखिरी आपके मुबारक अयाम में के हुफाज़े कुरान को जब दस्तार बंदी के लिए लाया गया और आपने नूरानी हाथों से दस्तार बधा रहे थे तो किसी हाफिज साहब को फरमा रहे थे कुरान पाक का फुलां रकू में से फुलां जगह से आप पढ़िए, और हुजूर पीर सियाल
इस बुजुर्गी के आलम में 85 साल की उम्र मुबारक में खुद उनके साथ साथ पढ़ते चले जा रहे थे। हाफ़िज़ा मुबारक इतना अजीम और मजबूत और कुरान पाक के साथ इतना मुहावरा और तबीयत मुबारक का इतना यकसू होना कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ। इल्मी मामला यह है कि ये 2008 फरवरी की बात है। 2008 फरवरी में सियाल शरीफ में बड़ी सर्दी थी। आप नमाज के बाद और अपने मामूलात की अदायगी के बाद सूरज की रोशनी में धूप में तशरीफ फरमा, लेकिन सर्दी उस दिन बहुत ज्यादा थी। मुझे चूंकि हुक्म था दरबार शरीफ पर फतवा नकल करने का, मैं भी आपकी खिदमत में बैठा हुआ था। दो चार और फाजल तशरीफ लाए तो हुजूर के आगे आग अंगीठी में मौजूद थी। हुजूर ने यकदम अचानक आपने सवाल फरमाया कि इतने बड़े बड़े फाजिल हो माशाल्लाह, दुआ भी अता फरमाई। फरमाया मुझे ये बताओ, हमारे उस्ताद उस्तादुल कुल अल्लामा सैयदी अता मोहम्मद बंदियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो माकूलात के इल्म अता फरमाए, अल्लाह की जानिब से जरिया बने। ये बताओ कि तुम इतने फाजिल हो, मुझे कदिया मानियतुल जमा और मानियतुल खुलूब की तारीफ भी बताओ और उसकी मिसाल भी साथ अदा करो। अब हम पर तो अचानक और हुजूर पीर सियाल की खिदमत में तो वैसे भी सब कुछ जो है, और एक बात है, हम लोग खानेवाल में उधर पढ़ाते थे, तालिब इल्मों से तकरार करते थे, ऐसे अय्याम भी आते 3-3 दिन हमें नींद ना आती, तबीयत में इतनी सख्ती, ऐसे मामलात आ जाते, बड़े डॉक्टर हजरात को भी चेक करा रहे हैं, हुजूर कोई राहत सुकून की कोई दवाई कोई ऐसी कोई असर नहीं। तो जब सारे असबाब खत्म हो जाते ना तो फिर कोई ना कोई साथी आवाज बुलंद करता, चलो अभी तैयारी करो और सियाल शरीफ चलते हैं। और सियाल शरीफ हाजिरी होती, हुजूर गरीब नवाज अल्फाज भी इरशाद ना फरमाते, आपकी मजलिस में थोड़ी देर हाजिरी का मौका मिल जाता, जैसे ही आपकी बारगाह में पहुंचते ये अल्फाज नहीं फिजिकली हकीकतन ऐसे होता, यूं लगता जैसे सीने के अंदर ना कोई झाड़ू फिर रहा है और सफाई हो रही है, अल्लाह पाक सीना धुल रहा है और राहत ही राहत हो जाती, सुकून ही सुकून हो जाता। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर सियाल का फैज़े मुकद्दस इसी तरह है। मौजूद गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी जाए, आपको वाज़े तौर पर अपना दिल धुलता हुआ, आप सियाल शरीफ की हुदूद में दाखिल हो जाएं, सारी परेशानी और मसाइल पीछे रह जाते हैं और तबीयत इस तरह बागो बहार हो जाती है जैसे मछली पानी में आ गई हो। बरकतें और फैजान इतना है। हुजूर पीर सियाल आले रसूल अलैहिस्सलाम का जो अदब व एहतराम है, एक दिन एक बाबा जी तशरीफ लाए बड़े सादा से, फरमाया मैं सैयद हूं। हुजूर चूंकि बहुत नकाहत थी फौरन उठने लगे, खादिमीन ने जो है वो खिदमत की, आप खड़े हो गए, इतनी अदब और ताजीम बजा लाए, फौरन इशारा फरमाया हुजूर शाह साहब को ले जाएं बंगला शरीफ में, एजाज से बिठाएं, खाना पेश करें, खिदमत करें, लंगर शरीफ पेश माए। और जब उन्होंने जरा आइजी दिखाई शाह फरमाया नहीं 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 हुजूर शाह साहब, हम हजरत सैयदना गाजी अब्बास की औलाद है, हमारे दादा जान ने हमें आले रसूल की खिदमत का हुक्म इरशाद फरमाया। और सादात किराम का जो अदब जो एहतराम, हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज वो हक गो हस्ती हैं। मैं खुद जब जामे निजामिया लाहौर में हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान अल्लामा सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कयूम हजारवी साहिब गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज के कदमों में था और आपको तंग करने का उन दिनों शर्फ हासिल कर रहा था, हुजूर दाता साहब गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला का सफरुल मुजफ्फर के महीने उर्स मुबारक आ गया, वजीर आला पंजाब उस वक्त मियाँ मंजूर अहमद खान बट्टू साहब थे, वो नून लीग से जरा अलग हो गए थे उन दिनों और एक प्रेशर ग्रुप बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक और इस तरीके से, और ये आपके इलाकों के करीब के चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब, ये चौधरी फवाद के चचा जान थे, वो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे और साबिक गवर्नर पंजाब यानी मौजूदा शाह महमूद कुरैशी साहब के वाले साहब ये भी उधर मौजूद थे उस मौके के ऊपर, वो साबिक गवर्नर रहे थे जनरल जिया साहब के दौर में गवर्नर पंजाब, हाँ जी क्या मुरीद हुसैन शाह साहब हाशमी उनका नाम था। तो अलगरज ये सारी शख्सियात और मेरे शेखुल फिका हुजूर सैयदी अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हजारवी साहब दामत बरकातुहुम अलिया, आपने भी मकाला उधर पढ़ना था तो हम उस्तादों के साथ गए हुए थे, और मुझे तो अचानक इतनी खुशी हुई कि उस सेशन की जो सदारत थी अलहमरा हाल के अंदर वो हुजूर पीर सियाल लजपाल सैयदना अमीर शरीयत गरीब नवाज फरमा रहे थे। तो जैसे ही नमाज असर का टाइम हुआ, मकाला जात गुफ्तगू सारा कुछ वो उरूज पर, तो आपने एक मरतबा भी स्टेज सेक्रेटरी को इशारा करके बुलाया, फरमाया कि नमाज असर जा रही है वो पढ़ ली जाए। हुजूर बस अभी पढ़ते हैं, थोड़ी देर और गुजर गई तो
आपने फिर इशारा फरमाया, वो फिर करीब आए और अदब बजा ले, हुजूर बस पढ़ते हैं। जब तीसरी मरतबा भी आपने फरमाया, वो फिर उसी तरह, और फिर बात आगे जा रही है और उधर मगरब करीब होती चली आ रही थी, हुजूर पीर सियाल उठ खड़े हुए और आप ऐसे जो चलने लगे, खुदाम भी साथ आ गए और हम लोग भी उठने लग गए, भाई हमारे शेख करीम, हम आपकी कदम बोसी का शर्फ हासिल करें। तो वो जनाब शाह साहब भी और सारे हजरात गवर्नर साहब और सारे वजीर आला पंजाब साहब मंजूर वट्टू साहब सारे हुजूर हुजूर दुआ आपने फरमाया, आपने फरमाया तुम लोग जब अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते हो, मैं क्यों तुम्हारे हक में दुआ मांगूंगा। कोई परवाह नहीं है वजीर आला पंजाब है, सिटिंग वजीर आला पंजाब, कोई परवाह नहीं है कि गवर्नर पंजाब है, बड़े बड़े अमायदीन है। फरमाया अल्लाह ताला का बुलावा आ रहा है, नमाज कजा हो रही है और तुम तकरीर और मकाला जात और अपने मामलात में। फरमाया हुजूर दाता साहब की यही तालीम है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो और मुझे दुआ का कहते हो, मैं तुम्हारे हक में दुआ नहीं कर सकता, खुद ये सारे मामलात करो, मैं तो अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान के हवाले से जब कुछ लोगों ने कोशिश की और इस तरह के आलम अरब के अंदर मामलात उठाए कि कंजुल ईमान शरीफ पर पाबंदी, आप पूरे बर्रे सगीर में देखेंगे कि हम गुलाम फख्र करते हैं इस मामले के ऊपर कि हुजूर पीर सियाल लजपाल इस तरीके से तमाम के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी और इस तरीके से हर मामले के ऊपर जो है वो आपकी तवज्जोहात। तो मुझे जरा उस दौर के अंदर शाह फहद साहब के जमाने में दिखाइए अगर हुजूर पीर सियाल के अलावा अमली कार्रवाई किसी भी हस्ती ने की हो, लेकिन हुजूर अमीरे शरीयत गरीब नवाज वो वाहिद हस्ती हैं कि आपने फौरन उलमा अमायदीन का फौरी तौर पर इजलास मुनक्किद किया और उसमें बकायदा चंद अकाबिर उलमा की जिम्मेदारी करार दी, बकायदा फसीह अरबी में खत तैयार हुआ, सिफारत खाने को अलग जाकर दिया गया, शाह फहद साहब को अलग पहुंचाया गया और ऐसी मुहिम हुजूर पीर सियाल आज भी हुजूर सैयदना पीर सियाल सैयदी अमीर शरीयत अल्लामा हाफिज सैयदी ख्वाजा खाजगान सैयदी ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहब गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज का वो प्रिंटेड खत मौजूद है, आज भी मौजूद है, जो आपने बड़ा तफसीली एक एक एतराज का उधर फसी अरबी में जवाब भी तहरीर किया और शाह फहद को भी और हर वो फॉर्म इस्तेमाल किया उसके लिए कि जो भी इस्तेमाल करने का हक बनता था और नतीजा खेज हो सकता था। और आज अल्लाह पाक की रहमतें इन्हीं करीम हस्तियों का फैज है कि अब मिस्र में और कितने अरब ममालिक में वहां की बड़ी बड़ी शख्सियात सिफारिश करती हैं कि अगर इस वक्त जदीद असरी उलूम की रोशनी में और साइंस की रोशनी में अगर कुरान मजीद की तर्जुमानी करने वाला कोई भी मजबूत और सेका तर्जमा है तो वो इमाम आले सुन्नत आला हजरत फाजले बरेलवी अलैह रहमत का कंजुल ईमान शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी शोभा देखेंगे, कोई मामला देखेंगे, हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज सैयदना अमीर शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खास तवज्जोहात और हर मसले खत्मे नबूवत हो, जितने भी उमूर व मामलात हों, हुजूर पीर सियाल आपको सफ़े अव्वल के अंदर जलवागर नजर आएंगे। अल्लाह पाक इन करीम हस्तियों के दराजात आलिया मजीद अपनी बारगाह एकदस में बुलंद फरमाए। आप हजरात खुशकिस्मत हैं, यहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के बगैर हमारी इस्लामी जिंदगी का, ईमानी जिंदगी का कोई तस्वर नहीं है। हाँ जी, हजरत अल्लामा ने फरमाया था, गर तुम खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज्बा कुरआन जीस्तन, अगर तुम मोमिन की जिंदगी गुजारना चाहता है तो कुरान मजीद से हट कर तू जिंदगी गुजारे ये मुमकिन ही नहीं है। कुरान मजीद बुनियादी चीज है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की वजह से ही सारी की सारी अजमतें अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सलाम ने जो है वो अता फरमाने का वादा फरमाया हुआ है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का पढ़ना, कुरान पाक का समझना, उस पर अमल करना, ये हमारे दीन की बुनियादी तरीन जरूरत है। एक तो एक हर्फ कुरान पाक का आप तिलावत फरमाते हैं किरात कुरान की नियत से, आपके फौरी तौर पर 10 नेकियां नामे आमाल में आ जाती हैं। और जब कोई भी चीज आती है वो अपने तमाम लवाजिमात समेत आती है, उसके सारे अनवार आपके दिल में अता हो जाते हैं, 10 सगीरा गुनाह फौरी तौर पर मिटा दिए जाते हैं नामे आमाल में से, और 10 दर्जे, पहले एक दर्जा कुर्ब पर बंदा होता है, सिर्फ एक हर्फ कुरान का पढ़ने से अल्लाह की बारगाह के 10 दर्जे बंदा और करीब हो जाता है। और इसी हदीस में महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ नहीं है, फरमाया ये 3 है।
लाम अलग गए, मीम अलग गए, अलिफ लाम मीम आप किरात कुरान की नियत से पढ़ते हैं। हदीसे सही है, महबूब ने फरमाया 30 नेकियां आपके नामे अमाल में, 30 गुनाह मुआफ हो गए, मिट गए, और 30 दर्जे आप पहले के मुकाबले में अल्लाह के और ज्यादा करीब आ गए। आज हमारी अजमत रफ्ता को अगर जो चीज भाल कर सकती है वो पहली चीज कुरान पाक है, वही हबल ममदूद समा जो सकलैन में पहला सिकल और ज्यादा अजमत वाला सिकल है कुरान पाक। हमारे प्यारे आके करीम रसम का फरमान ये मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द किताबुल किराआत में किताबुल सलात में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने खुद महबूब अलैहिस्सलाम से सुना कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाहा यरफाउ बिहाज़ल किताब अक्वामन, कितनी कौमें ऐसी होंगी कि जिनको इस कुरान की वजह से अल्लाह पाक दुनिया में सरफराजी और अजमत अता फरमाएगा। वयदउ बिही आखिरीन, और कुरान से जो दूर होंगे वो फिर पस्ती की तरफ चले जाएंगे, मगलूब हो जाएंगे। हमारे गलबे का जरिया जो है वो अल्लाह पाक की प्यारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। और हम जितने भी महबूब के उम्मती हैं जय्यदुस्सनद हदीस पाक पर मैं अपनी गुफ्तगू आखिर पर मुकम्मल कर दूं एक मिनट में। महबूब का फरमान है, मैं अपने हर उम्मती के मुतल्लिक ये पसंद करता हूँ कि खुद आलिम, तुम्हारी सुबह इस हाल में होनी चाहिए कि तुम खुद आलिम हो, तुम खुद इलम बांटने वाले हो, नमाज फजर पढ़कर फारिग हो जाओ और तुम्हारा हल्का दर्स लग जाए और तुम मेरी उम्मत में और इंसानों में इलम तकसीम करने वाले हो, इस मनसब पर हो, ये मैं सबसे पहले अपने उम्मतियों के बारे में चाहता हूँ। तो हमारे उलमा और असाज़ा मुदर्रिसीन वो हिफ्ज़े कुरान के हैं, दरस निज़ामी के, उलूम व फ़नून के, बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो पहली ख्वाहिश है महबूब की अपने उम्मतियों के मुतलिक वो उस रास्ते पर गामज़न है। आगे फरमाया औ मुतअल्लिमन, और अगर तुम आलिम होने की हालत में सुबह नहीं कर पाए हो, आलिम नहीं बन सके हो, तो फिर मैं अल्लाह का महबूब तुम उम्मतियों के मुतलिक ये पसंद करता हूँ कि तुम्हारी सुबह इस हाल में होनी चाहिए कि तुम खुद मुतअल्लिम इल्म हासिल करने वाले हो शरीयत का इल्म। लिहाजा हम चाहे दुकान पर जा रहे हो लेकिन नमाज फजर पढ़ते ही हम इमाम साहब अपने उस्ताद साहब को अर्ज करें हुजूर ये हदीस पाक की किताब है, इसमें से एक हदीस पाक के अल्फाज आप मुझे समझा दीजिए, मैं दो मिनट तालिब इल्म बन जाऊं ताकि मेरे आका सब्ज गुंबद में मुझ पर राजी और खुश हो जाए कि जो महबूब मेरे मुतल्लिक चाहते हैं मैं वैसा बनूं। औ मुतअल्लिमन, या तो स्टूडेंट हो मेरी शरीयत का, कोई कुरान पाक की आयत समझ ले नमाज फजर के बाद। यकीनन हमारी जिन मसाजिद में नमाज फजर के बाद दरसे कुरान, दरसे हदीस, दरसे फिक का 10 मिनट का ही दर्स होता है, महबूब उससे बहुत राजी और खुश होते हैं। तो फरमाया तू तालिब इल्म, और फरमाया अगर शुरू से ही तेरी ऐसी जिम्मेदारियां बन गई हैं कि तू आलिम भी नहीं बन सका, तालिब इल्म भी नहीं बन सका ना, तो फरमाया कि जालिसन लहुमा, तो फिर उलमा और मेरे दीन के तुलाबा दरवेशों की मजलिस में बैठने वाला होने की हालत में सुबह कर, उनकी मजलिस इख्तियार कर, क्योंकि जो मुसलमान भी उलमा और तुलाबा की 10 मिनट के लिए भी मजलिस 24 घंटों में इख्तियार करता रहेगा आधा आलिम तो बन जाएगा अल्लाह पाक की रहमत से। और आपको पता है कि ये उलमा तुलाबा तो चल रहे हो ना जी, तो इब्ने माजा सफा 20 किताबुल इल्म में हदीस से ये इन्नल मलाइकाता लतदउ अजनेहतहा रदल लतालिबे इल्मिन, वो आलिम का तो मकाम ही बुलंद है, तालिबे इल्म भी जब चल रहा होता है तो उस इलाके के तमाम फरिश्ते मुदब्बिरीन अम्र दौड़ दौड़ कर आते हैं और अपने नूरानी बाजू उसके कदमों के नीचे बिछाते चले जाते हैं। रदाले तालिब इल्म, फरिश्तों को इल्म है कि अल्लाह को राजी करने का सबसे बड़ा जरिया है तो मुस्तफा की शरीयत के दरवेशों की खिदमत करना और उनको राजी और खुश करना, अल्लाह को राजी महबूब को राजी करने का सबसे बड़ा जरिया है। तो जब आप उलमा तुलबा की मजलिस में बैठेंगे तो जो बरकतें उन पर आ रही हैं, रहमतें उन पर आ रही हैं, मलाइका इकराम जो उनकी हम नशीनी में उनके बातनी अनवार हैं, आपका दिल नरम होने लग जाएगा और आपका दिल नूर से मामूर होने लग जाएगा जब आप उलमाए रब्बानी जीन और मुखलिस तुलबा की मजलिस में। और फरमाया अगर तेरी ऐसी जिम्मेदारियां ना तू आलिम, ना तू मुतअल्लिम और तालिब इल्म, ना तू उनकी मजलिस में बैठने वाला, तो फरमाया औ मुहिब्बन लहुमा, कम अज कम उनसे मोहब्बत करने वाला तो जरूर बन मेरे उम्मती इस हाल में सुबह कर। मेरा छोटा छोटा बच्चा है अबुल हसन अली है उसका नाम, हुजूर पीर सियाल की बरकत है, मुझे उस बच्चे से बड़ी मोहब्बत। वो उधर स्कूल में, इधर उधर मदरसे में जरा लेट, तो मैं घर में हूं ना, अगर घर वाले तो मैं कहता हूं नहीं मेरा बच्चा साथ होगा तो फिर मैं खाना खाऊंगा, बच्चे के बगैर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, क्यों? ये मोहब्बत का तकाजा है। तो हमें महबूब ने इन तुलाबा और उलमा से मोहब्बत करने का दर्स दिया है।
मोहब्बत के अपने कुछ तकाजे होते हैं। मोहब्बत का सुबह के वक्त यही तकाजा है कि जब हम अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट और नाश्ता करने लगें तो जो मुस्तफ़ा के मेहमान अलैहिस्सलाम के मेहमान हमारी मस्जिद में मदरसा में, हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि कम अज कम चंद तोलाबा के लिए तो नाश्ता पहले पहुंचा कर मोहब्बत का इजहार कर दें, उसके बाद अपने घर में बच्चों के साथ शाम को खाना खाएं। तो हमें महबूब के मेहमान जो कुरान को हिफ्ज कर रहे हैं, कुरान पाक को नाजरा पढ़ रहे हैं, जो सर्फ नह पढ़ रहे हैं, फिक हदीस और तफसीर पढ़ रहे हैं, जिनके जरिए से कुरान ने महफूज होने शरीयत की तालीमात ने, हम अपना लिबास लें तो कम अज कम एक तालिब इलम का लिबास साथ ले लें, अपने घर का बिजली का बिल अदा करें। तो आप कहेंगे उस्ताद जी आप भी अजीब उस्ताद साहब हैं कि जनाब हमें ये आजकल महंगाई, भाई महंगाई इंशाल्लाह ये मसले चंद महीनों में हल हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से, लेकिन कुरान ने जो हमें ये इस्लाम का वो रूहानी पहलू है जिस पर बतौर मोमिन हमें ईमान कामिल होना चाहिए, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात। कुरान फरमाता है अगर सूद के रस्ते पर चलोगे तो सब कुछ यम हो अल्लाह ताला मिटा देगा और तबाह कर देगा। आगे फरमाया वह युर्बिस सदकात, लेकिन जितना तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे अल्लाह पाक युर्बी उस माल की बरकत से तुम्हारे अमवाल को बढ़ाता चला जाएगा। आप तालिब इलम की तरफ तवज्जो करें, घर का बिजली के बिल के साथ मोहल्ले के 10 बंदे आपस में तकसीम कर लें, बिजली का बिल है, मदरसे का बिजली का बिल है, साज़े इकराम का मुशारा है, अलगरज वो जो इनके साथ मोहब्बत के तकाजे हैं हम अमली तौर पर सारे इलाके वाले लोग उस तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो ये महबूब का हुक्म है खुद आलिमन औ मुतअल्लिमन औ जालिसन लहुमा औ मुहिब्बन लहुमा, या खुद आलिम या मुतअल्लिम या इनकी मजलिस में बैठने वाला या कम अज कम आखिरी दर्जा इनसे मोहब्बत करने वाला जरूर बन। और आगे फरमाया ला तकुन खामिसन, मेरे उम्मती पांचवा ना बनना। अगर एक शख्स है जिसको अल्लाह ने बेबहा अता फरमाया हुआ है लेकिन वो ना आलिम ना मुतालिम ना उनकी मजलिस में बैठने वाला ना उनसे मोहब्बत करने वाला वो पांचवा बना हुआ है चाहे वो जितने ओहदों पर है जितना, फरमाया ला तकुन खामिसन फताहले का, पांचवा ना बनना, कोई ना कोई कैटागरी इन चार में से अपने अंदर जरूर पैदा करना वरना फिर तू जितना अरसा रहेगा तू हलाकत के रास्ते पर चलने वाला होगा, तो अंजाम उसका खराब होता है। अगर इल्म तलब इल्म मुजालसत असहाबे इल्म व दानिश और उनसे मोहब्बत अगर हमारे अंदर इन चारों में से कोई चीज हम पैदा ना करें तो फिर हम कामयाबी के रास्ते पर नहीं, हम नाकामी और गलती के रास्ते पर हैं, हलाकत के रास्ते पर हैं। बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आले रसूलुल्लाह का यहाँ मरकज है और फिर वो कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं और आप उनके दस्तो बाजू हैं। अल्लाह पाक आप सबको दीनों दुनिया की हर खैरत आ फरमाए और जिन दो हस्तियों के जिक्र से हमने अपने कल्ब रूह को मुनव्वर और फैजयाब किया अल्लाह उन करीमों का फैजान हम सबको अता फरमाए, आमीन व मा अलैहा इल्ला अल्लाह। शेर पढ़ लिए मुस्तफा जाने रहमत पे ला को सलाम शमाए बज में दायत पे ला को सलाम शमाए बज में दा लाखों सलाम सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे ला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत या इलाही वासिता सा
कलामे आजिज़ाना हो कबूल। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। या इलाह अलआलमीन। मुंतज़मीन का हुस्न इंतज़ाम, तमाम हाज़रीन की हाज़री अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमा। इस तमाम उर्स मुक़दस की नूरानी महफ़िल अक़दस का सवाब हम प्यारे आके करीम अलैहि तहियात व तस्लीम की बारगाह बेकसपनाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। आपके वसीले बाजरीला से तमाम हज़रात अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम के तमाम प्यारे अहले बैत अतहार, आपके तमाम प्यारे सहाबा किराम, आपकी उम्मत के जमी औलिया किराम, तमाम उलमाए रब्बानीयीन, आज तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, सबकी अरवाह तय्यबात के लिए दर्जा बदर्जा पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। खुसूस बिलखसूस हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयदुस्सादात किबला पीर सैयद मोहम्मद मसऊद अहमद शाह साहिब गरीब नवाज अलैहि रहमा की बारगाह अक़दस के लिए और हुजूर पीर सियाल लजपाल सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान कुतुब दौरान हुजूर अमीर शरीयत नायब शेखुल इस्लाम सैयदी अल्लामा हाफिज ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहिब गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज की पाकीज़ा बारगाह अक़दस के लिए पेश है। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। हम गुलामों की तरफ से यह हदिया उनकी बारगाहों तक पहुँचा, उनके मज़ारात आलिया पर अपनी खासुल खास रहमतों का मजीद नुज़ूल फरमा, अपनी बारगाह में उस महल्ले इज़्ज़त व करामत पर फ़ायज फरमा जैसा इन हस्तियों के लिए तूने अपनी बारगाह में मकाम इज़्ज़त व वजाहत महल्ले इज़्ज़त व करामत मुतय्यन फरमाया हुआ है। या अल्लाह हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज और किबला पीर सैयद मोहम्मद मसऊद अहमद शाह साहिब गरीब नवाज के फयूज़ व बरकत हम सब के शामिल हाल फरमा। इन नूरानी हस्तियों की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा। आलम इस्लाम हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान पे करम फरमा। या अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बख्शिश व मगफरत फरमा। बिलखसूस उर्स मुबारक के इंतजामात में जो कारकुनान हाजिर रहे और जितने भी इस वक्त हाजरीन मौजूद हैं उर्स मुबारक में, इनके आबा अजदाद वालिदैन करीमैन मुतअल्लिकीन में से जितने अहले ईमान विसाल फरमा चुके हैं, या अल्लाह सबकी बख्शिश व मगफरत फरमा, सबकी कब्रों में नूर दाखिल फरमा, सबको महबूब अलैहिस्सलाम का कुर्ब और शफा। या अल्लाह पाक बीमारों को सेहत कामला अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़े हलाल का अच्छा जरिया अता फरमा, हर मकरूज को बारे कर्ज़ से निजात अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालिहा अता फरमा, मुंतज़मीन हाजरीन की जितनी जायज़ दिली मुरादें हैं पूरी फरमा। उस्तादुल हुफ्फाज़ हज़रत किबला हाफिज़ नासिर हुसैन साहेब पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला पीर सैयद शकील अहमद शाह साहेब हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला पीर मोहम्मद नूरुल अमीन गरीब नवाज हज़रत किबला अल्लामा साहिबजादा हसीबुल अमीन शाह साहिब गरीब नवाज, इन सब के सायों में सेहत आफियत कुव्वत और सलामती के साथ बरकात अता फरमा और अपने करीम बंदों के फ्यूज़ व बरकात हम सब के शामिल हाल, हमारे तोलाबा साजा को शरह सदर की नेमत और हमारे इस मरकज़ के जितने खादमीन हैं जितने मुआमिनीन हैं जो माली तौर पर अफरादी तौर पर अखलाकी तौर पर हमारे इस मरकज़ के साथ मुंसलिक हैं और खिदमत बजा लाते हैं, या अल्लाह तूने दुनिया की कोई कमी ना होने देना, दीन की हर खैर अता फरमाना। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्के ही सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमाईन बिरहमतिका या माशा अल्लाह।